देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज और स्क्रीन शेयर है तो yes, अच्छा। ठीक है। देखो, जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट किया था आई होप कि इसका भी इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोग का आज हो जाएगा छोटा सा चैप्टर है यहाँ पर हमें कुछ मतलब स्पेसिफिकली अकाउंट्स का कुछ डेबिट क्रेडिट ये सब नहीं करना होगा ये चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ठीक है इन्वेंट्री यानी स्टॉक ठीक है हम लोग का जो क्लोजिंग स्टॉक हो या ओपनिंग स्टॉक क्योंकि स्टॉक दो तरह का हो सकता है एक ओपनिंग एक क्लोजिंग तो अगर हम लोग ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक का हमें वैल्यूएशन करने बोले यानी अगर ओपनिंग में हमारे पास कोई स्टॉक है तो उसका वैल्यू क्या है ऐसा भी पूछ सकता है या फिर क्लोजिंग में हमारे पास कितना अब ओपनिंग क्लोजिंग अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल ईयर ठीक है हम लोग को बताना है कि कितना वैल्यू है कितना स्टॉक बचा है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा और उसे पढ़ के हमें कैलकुलेट करके बताना है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं देखो कैसे कैसे होगा थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं मेन मेन पॉइंट ठीक है यहां पर पहले चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है चैप्टर हो गया इन्वेंट्री ठीक है इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है गुड्स लाइन अनसोल्ड आर कॉल्ड इन्वेंट्री ठीक है जिसको पहले अभी भी बोला जाता है ऐसा नहीं कि नहीं बोला जाता है, पहले इसको स्टॉक इन्वेंट्री पहले यूज नहीं होता था शायद तुम लोग इन्वेंट्री का यूज देखे होगे क्योंकि पहले ग्री का यूज नहीं होता था लैंग्वेज स्टॉक ज्यादा यूज होता था ठीक है है अच्छा अब यहां पर हमें क्या करना है? जो गुड्स बचे हुए रहेंगे चाहे वो ईयर के स्टार्टिंग में बचा हुआ गुड्स का वैल्यू हो या फिर ईयर के एंडिंग में और उसका हमें वैल्यू करके बताना है अब स्टॉक यहाँ पर हम लोगों का दो तरह का हो जाएगा जैसे कि मैंने पहले ही बोला ये मैं पता है ओपनिंग स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है ये सब नया कुछ है नहीं इस चैप्टर में हमें सिर्फ वैल्यू करने आना चाहिए ठीक है अच्छा अब वैल्यू कैसे होगा तो मेनली वैल्यू कैसे होता है ये भी तुम लोगों ने सुना होगा मैंने भी बोला है बहुत बार तुम लोग इलेवन में भी किए हो गए इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी कॉस्ट और एनआरवी एनआरवी का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है मान लो मार्केट में एक दस रुपए का प्रोडक्ट बेचने में बेचते हैं हम लोग ट्वेल्व रुपीज में तो ये रियलाइजेबल वैल्यू हो गया लेकिन इस प्रोडक्ट को बेचने में मान लो एक रुपए का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है ठीक है अगर एक रुपए का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होगा यहां पर देख रहे तो हमें लग रहा है दो रुपए प्रॉफिट है लेकिन अगर एक रुपए एडवर्टाइजमेंट का भी है तो एक रुपये प्रॉफिट हुआ दस का सामान बारह में बिकेगा टेन रुपीज का ट्वेल्व में बिकेगा देन टू रुपीज प्रॉफिट लेकिन अगर इसको सेल करवाने का कोई खर्चा हो रहा है लाइक like एडवर्टाइजमेंट जैसे मैंने एग्जांपल दिया मान लो वो वन रुपीज का है यानी प्रॉफिट जो है वो टू से डिक्रीज होके वन हो जाएगा विच एवर इज लोअर इस पे हमें करना है ऐसा क्यों क्योंकि हमें एस टू जो है वो ऐसा बोलता है ठीक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू हमें बोल, बोल रहा है कि हमें इसी तरह से वैल्यू करना है क्योंकि अकाउंट्स तो एक प्रोसेस है ना तो इसका रूल्स रेगुलेशन जो है वो फॉलो करना पड़ता है तो AS2 हमें ये देखो अगर याद रखना चाहते हो तो लिख सकते हो वैसे जरूरत नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू जो है ये हमें बताता है कि कॉस्ट और एनआरबी में करना चाहिए और भी बहुत सारे क्राइटेरिया बताता है ठीक है अच्छा अब हम लोग यहाँ पर कितने तरह से वैल्यू करेंगे देखो यहाँ पर हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज अब हम लोग लिखते हैं मेथड ठीक है ये क्या है ये जीस्ट है जीस्ट का मतलब हमें कॉस्ट और एवर इज लोअर में ही करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए हमारे पास मेथड्स क्या क्या है मेथड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और एक हो जाता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड अब इसके अंदर क्या क्या मेथड आता है इसके अंदर आता है फीफो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ठीक है अच्छा फिर होता है लीफो लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट फिर होता है वेटेड एवरेज गुड मॉर्निंग शिवास अच्छा देखो और आता है सिंपल एवरेज ठीक है ये और नॉन हिस्टोरिकल में क्या आता है नॉन हिस्टोरिकल में जो मेथड हमें फॉलो करना है दैट इज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड ठीक है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और अगर हम लोग अपना मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसी पे क्वेश्चन आता है इस पे नहीं आता है ठीक है ये बहुत ही छोटा छोटा दो चार क्वेश्चन दिया हुआ है इस पे नहीं आता है ये तुम लोग एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा कॉस्टिंग में जब तुम लोग इंटर में जाओगे तब ये काफी इंपॉर्टेंट होता है लेकिन अभी हम हम लोग के लिए ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है ठीक है तो अभी आज हम लोग यही वाला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट दिन ये छोटा सा है आधा घंटा भी नहीं लगेगा ये अगर हो जाता है तो आज भी कर सकते हैं ये वाला ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमें नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे ही देखना है यानी एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से हमें करना पड़ेगा कैसे करेंगे वही हम लोग देखेंगे ठीक है अब हमें कुछ चीज जो है देखो और एक पॉइंट हम बता देते हैं यहाँ पर ये, तुम लोग को पता है, ये तो और भी अच्छे से पता है हम लोग को क्या पता है देखो हम लोग कुछ इक्वेश लिखते हैं जो कि तुम लोग को पता है सेल्स का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ठीक है अब इसी चीज को हम लोग चेंज कर करके लिख सकते हैं जैसे सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ठीक है और अगर हम लोग ऐसे लिखे कॉस्ट कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा सेल्स माइनस प्रॉफिट ठीक है तो ये ये हम अलग अलग इतना लिख के करे भी क्या क्योंकि तुम लोग अगर एक चीज याद रखते हो तो अब हमें क्वेश्चन में जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग चेंज करके कर सकते हैं अगर सेल्स का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट का मतलब सेल्स माइनस प्रॉफिट ठीक है अब प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाएगा प्रॉफिट का मतलब हो जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट ठीक है प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जितने में सेल किया जितने में परचेस किया था दोनों का डिफरेंस ठीक है तो ये हो गया प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट कोई भी एक पॉइंट याद रखो उससे इधर उधर करके हम लोग कर सकते हैं ठीक है अब प्रॉफिट हमें कैसे दिया हुआ रहेगा प्रॉफिट हमें दिया हुआ रहेगा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स भी हो सकता है क्वेश्चन में और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट भी हो सकता है ठीक है तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स का मतलब प्रॉफिट बाय सेल्स और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट का मतलब कॉस्ट बाय सेल्स अब क्योंकि परसेंटेज है तो इन टू हंड्रेड इन टू हंड्रेड ये भी हम लोग अकाउंट्स में करते हैं ठीक है ये ये चीज भी हम लोग बहुत बार फॉलो किए हैं कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होने से प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या होगा ठीक है अच्छा अब देखो ये वाला भी नया कुछ नहीं है अब अगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज बता दे बट ये मेंशन ना करे कि प्रॉफिट ऑन सेल्स है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट मतलब अगर क्वेश्चन में सिर्फ बता देता है प्रॉफिट समथिंग परसेंटेज तो इसका मतलब हमें क्या एजम्सन लेना है प्रॉफिट ऑन सेल्स या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ठीक है यहाँ पर लिखते हैं देखो इफ प्रॉफिट परसेंटेज गिवेन बट इट इज नॉट Mention that whether it is on cost or on sale, we should take on sale. हम लोग इसे सेल में ही मानेंगे क्योंकि नॉर्मली बेच के कितना प्रॉफिट कमाया वही जानना मोटो होता है ठीक है बाकी दोनों टाइप में हम लोग परसेंटेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है थीके? दोनों टाइप में हम लोग परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं अब देखो थोड़ा सा हमें चेंजेस जो है पता होना होता है जैसे मान लो कि अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन सेल्स बोला है तो कॉस्ट में कितना होगा इसको इजीली कैसे, कैसे कैलकुलेट करते हैं ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड करो ये हो गया ठीक ठीक है, है, का मतलब सेल्स, प्रॉफिट. तो ऑन सेल तो ऑन कॉस्ट कितना होगा हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑन कॉस्ट इस तरह से हो जाएगा ये देखो प्रॉफिट फिक्स्ड होता है अच्छा सॉरी प्रॉफिट फिक्स्ड होता है ये मैंने गलती से कॉस्ट लिख दिया ये नीचे कॉस्ट होगा ये नीचे कॉस्ट होगा प्रॉफिट फिक्स्ड होगा ठीक है प्रॉफिट कितना है वन रुपीस लेकिन सेल्स सेल अगर फोर है तो कॉस्ट कितना होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर इस पे चलते हैं देखो सेल अगर फोर रुपीस है और प्रॉफिट वन है सेल फोर रुपीस है प्रॉफिट वन है सेल फोर रुपीस है प्रॉफिट वन है तो कॉस्ट कितना हो जाएगा थ्री रुपीज ठीक है थ्री रूपीज हमें फॉर्मूले का भी जरूरत नहीं है हम लोग तो लॉजिकली भी बोल सकते हैं अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करके वन रुपीज प्रॉफिट अर्न किया है एंड प्रोडक्ट को फोर रुपीज में सेल किया है तो उसको थ्री रुपीज में परचेज किया होगा तभी तो वन रुपीज का प्रॉफिट है तो ऑन कॉस्ट थ्री पॉइंट थ्री थ्री मतलब परसेंट 33 ठीक है तो इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को इजिली इस प्रोसेस में करना है कि अगर वन फोर्थ मतलब परसेंटेज को अगर हम लोग सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग ये बेस चेंज कर सकते हैं ऑन कितना ऑन कॉस्ट कितना ठीक है तो ये प्रोसेस हम लोगों को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग जल्दी सॉल्व कर पाए ऐसा चीज हम लोग जिन लोग का कंसाइनमेंट वगैरह हो गया वहां पर हम लोगों ने देखा था ऐसा बहुत जरूरत होता है कंसाइनमेंट में ठीक है तो ये एक पॉइंट हो गया अब हम लोग यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करने बोलेगा जैसे कि मैंने पहले ही बोला इन्वेंट्रीज का चैप्टर है कि हमें इन्वेंट्रीज का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट लॉजिक मतलब नॉर्मली नहीं जरूरत है ठीक है बाकी क्वेश्चन में कभी कभी जरूरत होगा अगर कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वगैरह होगा तो यहाँ पर इन्वेंट्रीज का वैल्यू करेंगे तो स्टॉक का वैल्यू करना है अब स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा अगर ये देखो अगर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे दे दो तरह का चीज ही दे सकता है या तो कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कोई भी एक हमें क्वेश्चन में पूछ सकता है तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक का मतलब जो स्टॉक सेल नहीं हुआ तो कौन कौन सा स्टॉक सेल हो सकता है अगर हमारे पास पहले से कोई स्टॉक है वो सेल हो सकता है अगर हम लोगों ने कुछ परचेस किया है वो सेल कर सकते हैं अब परचेज में डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग का इंक्लूड हो सकता है ठीक है जैसे कि तुम लोग ट्रेडिंग में लिखते हो ना वेजेस लिखते हो कैरेज इन्वर्ट फ्रेट इन्वर्ट तो परचेस का मतलब सिर्फ परचेस नहीं अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो ऐड होगा अगर मैन्युफैक्चरर है तो फैक्ट्री का एक्सपेंसेस वगैरह ऐड होगा तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ये सारे मिला के क्या होता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इसको हम लोग क्या बोलते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ठीक है sale, हम लोगों के पास ये गोडाउन है गोडाउन में पहले से मान लो ये कुछ स्टॉक था ठीक है ये कुछ स्टॉक था फिर और भी स्टॉक खरीदा गया ठीक है और भी स्टॉक खरीदा गया तो टोटल कि, जितना स्टॉक हो गया गोडाउन में यही हम लोग सेल कर सकते हैं अब इसमें से मान लो कुछ सेल कर दिया ठीक है अब सेल क्या हो सकता है ये भी सेल हो सकता है मतलब जो ओपनिंग स्टॉक है जो परचेस किया वो भी सेल हो सकता है तो मान लो ये सेल हो गया अप भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है सिर्फ ओपनिंग से ही बिका ठीक है लेकिन हमें जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग मानेंगे कि एवरेज बिका है ठीक है मतलब सारी जगह से बिका है तो ये हो गया हम लोग का सेल ठीक है अब हम लोग को देखना है कि अगर इतना इतना बिक गया है तो कितना बचा हुआ है तो कितना बचेगा जैसे देखो मैंने यहाँ पर कितने सारे सर्कल बनाए थे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो वन टू थ्री फोर ये दो बिक गया ठीक है ये दो सेल हो गया और यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये बच जाएगा तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक ठीक है ये इस तरह से हमें करना है अब हम लोग को यहाँ पर फिर फॉर्मूले में क्या देना पड़ेगा अब जो सेल हो गया सेल के वजह से ये स्टॉक डाउन हो गया है ना मतलब जो बचा हुआ है वो कम इसीलिए क्योंकि सेल हो गया तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेल्स ठीक है सेल्स जितना बिक गया अब जो बचा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक बट एक चीज देखो ये किस पे है ये कॉस्ट पे है <.eps> कॉस्ट मतलब जितने से हम लोगों ने खरीदा था उसमें से जो बचा हुआ सामान है ये भी हम लोग का क्या है कॉस्ट पे है ठीक है ये भी हम लोग का किस पे आया कॉस्ट पे आया ठीक है जैसे मान लो कि ये जो तो, ये जो चार ऐसे प्रोडक्ट थे इसका इसको हम लोगों ने टेन रुपीज से खरीदा था ठीक है और ये जो प्रोडक्ट थे इसको मान लो हम लोगों ने ट्वेंटी रुपीज से खरीदा था इसके मतलब हम लोगों के पास टोटल टोटल थर्टी रुपीज का प्रोडक्ट था टोटल थर्टी रुपीज का प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर सेल था उसमें से हम लोगों ने कितना लो, प्रोडक्ट ये जो बेचा है इसका मान लो ये टेन रुपीज का था ये ट्वेंटी थर्टी था अब मान लो हम लोगों ने सेल कर दिया है प्रोडक्ट कितना बोले जैसे मान लो यहाँ पर हम लोगों ने सेल कर दिया है थर्टी रुपीज का ए, ट्वेंटी रुपीज का कर देते दिखाना पड़ेगा फोर्टी रुपीज का मान लो सेल कर दिया सेल कर दिया ठीक है फिफ्टीन रुपीज का कैसे सेल किया ये था टेन रुपीज का ठीक है और ये था ट्वेंटी रुपीज का मान लो ये पूरा सेल कर दिया टेन रुपीज वाला ठीक है और यहाँ पर ट्वेंटी रुपीज वाले में से मान लो हम लोगों ने टू रुपीज का सेल किया ठीक है तो ये ट्वेल्व रुपीज हुआ और ट्वेल्व रुपीज का सामान हम लोगों ने फिफ्टीन में सेल कर दिया फॉर एग्जाम्पल ठीक है हम लोगों ने ये पूरा बेच दिया लेकिन और यहाँ से कुछ अमाउंट लिया तो टोटल हम लोगों ने ट्वेल्व रुपीज का सामान बेच दिया फिफ्टी रुपीज में यानी प्रॉफिट कितना अर्न कर लिया है प्रॉफिट थ्री रूपीज अर्न कर लिया है ठीक है अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता करना है तो हम लोग कैसे पता करेंगे ये देखो टेन और ट्वेंटी टोटल थर्टी रुपीज का सामान था उसमें से हम लोगों ने ट्वेल्व रुपीज का सामान बेच दिया तो यहाँ पर हम लोग के पास एटीन रुपीज का स्टॉक बचा हुआ है अगर हमें ये कैलकुलेट करना है तो एटीन रुपीज का जैसे देखो अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो ठीक है तो ओपनिंग स्टॉक टेन रुपीज लिखते हो परचेस लिखोगे सेल्स सेल्स लिख दोगे पर कितना बाई सेल्स हो गया परचेजी लिखना पड़ेगा बाई सेल्स तो हम लोग ट्वेल्व नहीं लिख सकते ठीक है और यहाँ पर अगर बाई क्लोजिंग स्टॉक हम लोग एटीन लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली देखो जीपी यहाँ पर टू रुपीज निकल के आ जाएगा थ्री रुपीज निकल के आ जाएगा देखो फिफ्टीन प्लस एटीन कितना हो जाएगा फिफ्टीन प्लस फोर्टीन ये हो गया थर्टी थ्री ठीक है थर्टी थ्री और ये थर्टी तो ये थ्री रुपीज का क्या हो गया जीपी हो गया ठीक है ये थ्री रुपीज का हम लोग का जीपी हो गया तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा ये मैंने इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पर सेल्स हम लोग लिखेंगे जरूर लेकिन हमें लेना है कॉस्ट ऑफ सेल्स या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ठीक है कॉस्ट लेना है मतलब यहाँ से प्रॉफिट एलिमेंट को एक्सक्लूड करना है अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक गलत मिलेगा ठीक है अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं कि टेन रुपीज का था ट्वेंटी रुपीज का परचेस किया था और सेल कर दिया 15 में तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ठीक है 5 रुपीस का स्टॉक बचा हुआ है लेकिन लॉजिकली देखो कितने का स्टॉक बचा हुआ है एट्टीन अब हम लोग क्या कर रहे हैं प्रॉफिट एलिमेंट से माइनस कर रहे हैं तब नहीं होगा क्योंकि बेस अलग हो गया ये विदाउट प्रॉफिट ये विदाउट प्रॉफिट फिर ये विद प्रॉफिट कैसे होगा और लॉजिकली भी सोच के देखो हम लोग को कैलकुलेट करना है 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 कि हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितने का है। तो खुद के गोडाउन में जो भी जिस भी जिस प्रोडक्ट तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के टाइम हमें जस्ट इतना ध्यान रखना है की सेल्स को हमें हम, हमेशा किस पे दिखाना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे ये चीज हो गया अब ये वाला ओपनिंग स्टॉक अगर कैलकुलेट करने बोले तो इसको हमें अलग से याद रखने का जरूरत नहीं हम लोग क्या करेंगे ओपनिंग स्टॉक का मतलब जस्ट ये वैल्यूज को इधर लेके आ जाते हैं मतलब देखो अगर ये चीज समझ जाते हैं याद रख लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बनेगा कैसे बनेगा अगर ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है हम लोग ऐसे सोचेंगे कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक इधर था बाकी इधर ट्रांसफर कर लेंगे माइनस परचेज और माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर ऐसे कर सकते हो माइनस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस ठीक है माइनस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस सीओजीएस ठीक है प्लस सीओजीएस लॉजिकल भी है अगर हमें ओपनिंग स्टॉक पता करना है तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं हम लोग पहले ये देखेंगे देखो इसको थोड़ा सा ऐसे लॉजिकली लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास था और जो हम लोगों ने बेच दिया ठीक है क्लोजिंग स्टॉक ये हो गया हम लोगों ने जो बेच दिया ये हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है ठीक है क्लोजिंग स्टॉक का मतलब स्टॉक बचा हुआ ये हम लोगों ने बेच दिया यानी ये क्या हो गया टोटल स्टॉक Available, ठीक है टोटल स्टॉक अवेलेबल कि हम लोगों ने जितना सेल कर दिया और जितना हम लोग के पास अभी पड़ा हुआ यानी टोटल इतना था ठीक है और उसमें से हम लोगों ने अगर परचेज जितना किया था वो अगर हम लोग लेस कर देते हैं और कोई डिफरेंस एराइज होता है देन वो ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि अगर टोटल स्टॉक अवेलेबल हम लोग के पास इतना था ठीक है और हम लोगों ने जो परचेज किया ठीक है परचेज स्टॉक जो है और टोटल स्टॉक अवेलेबल में अगर डिफरेंस आएगा तभी ना हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का कोई ओपनिंग स्टॉक था जैसे मान लो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक था फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी रुपीज का ठीक है हम लोगों ने जो स्टॉक बेच दिया वो हम लोगों ने बेचा है टेन रुपीस का कॉस्ट का ठीक है ये हो गया थर्टी रुपीज मतलब हम लोग के पास थर्टी रुपीज का स्टॉक था तभी तो उसमें से टेन बेचा और ट्वेंटी रह गया है लेकिन परचेस दिख रहा है यहाँ पर purchase दिख रहा है यहां पर हम लोगों ने परचेस किया सपोज uh, ट्वेंटी तो जितना परचेस किया उतना ही तो टोटल स्टॉक होना चाहिए लेकिन स्टॉक ज्यादा दिख रहा है थर्टी रुपीज इसका मतलब प्रीवियस भी कोई स्टॉक था मतलब इस साल के परचेस के अलावा भी प्रीवियस कोई स्टॉक था तो इसीलिए हम लोग इस तरह से कर सकते हैं तो लॉजिकली इस तरह से हो गया बट याद कैसे रख सकते हो सिंपली देखो कोई भी एक फॉर्मूले में हम लोग जा सकते हैं कोई भी एक फॉर्मूला जैसे देखो ये वाला ठीक है ओपनिंग स्टॉक ये वाला ये वाला फॉर्मुला अगर याद करते हो तो close, opening stock calculate करने बोलेगा तो क्या करोगे Closing stock, ये ये पर पर हो हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, opening stock calculate हो जाएगा, होके आ ठीक है? तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं अच्छा, अब इसमें एक फॉर्मेट बना देते हैं देखो फॉर्मेट का इसीलिए थोड़ा सा जरूरत होगा क्योंकि हमारे यहां पर ना नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम्स भी रह सकता है तो देखो फॉर्मेट कैसा होगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना पड़ सकता है पर्टिकुलर नॉर्मल एब और टोटल ठीक है ऐसा कॉलम हमें प्रिपेयर करना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन में एबनॉर्मल नॉर्मल आइटम्स है तो ठीक है वो क्वेश्चन करेंगे तो समझेंगे क्या होता है नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम अगर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने बोला है तो हम लोग पहले ये देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का मतलब गोडाउन में कितना स्टॉक बचा हुआ है तो पहले ये पता करेंगे कि गोडाउन में कितना स्टॉक था ठीक है गोडाउन में कितना स्टॉक था वो पता करना चाहिए तो गोडाउन में कितना स्टॉक था अगर दोनों चीजें दोनों में लिखेंगे प्लस हम लोगों ने कितना परचेस किया था तो यहाँ पर परचेस हमेशा नेट में होगा नेट का मतलब रिटर्न लेस करना है क्योंकि देखो लॉजिकल बात है अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है और परचेस में हम लोगों ने रिटर्न कर रखा है हम लोगों ने अगर अपने सप्लायर को कुछ प्रोडक्ट रिटर्न कर दिया था तो वो तो क्लोजिंग स्टॉक में आ नहीं सकता है तो परचेस को हमेशा नेट में लेना पड़ेगा और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है वो तो लेना पड़ेगा ही ठीक है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज मैंने अलग से लिख दिया ताकि गलत ना हो ठीक है और ये हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसिस का भी अगर नॉर्मल एब होगा तो वो भी लेना पड़ेगा ये हो जाएगा हम लोग का टोटल टोटल अवेलेबल स्टॉक ये ए नाम दे सकते हैं टोटल अवेलेबल स्टॉक जितना हो जाएगा अब लेस कर देंगे जितना स्टॉक बेच दिया क्या लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स जो भी लिख सकते हो इसको शॉर्ट में बोला जाता है सीओजीएस अब सीओजीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे सेल से प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा सेल से अगर हम लोग प्रॉफिट लेस नहीं करेंगे या फिर अगर लॉस में सामान बेचा है तो लॉस को ऐड करना पड़ता है है ना अगर हमें कॉस्ट पता करना है जैसे मान लो ₹12 रुपीस का सामान 10 में सेल किया ठीक है अब हमें ट्वेल्व रुपीज का सामान अगर टेन में सेल किया यानी टू रुपीज लॉस में किया ये हमें बता दिया है तो अगर जस्ट इतना इंफॉर्मेशन दे दे कि एक प्रोडक्ट सेल हुआ है टेन में टू रुपीज लॉस में तो उसका कॉस्ट कितना था तो ऑब्वियसली ट्वेल्व रुपीज था तो लॉस होने से इसीलिए एड करना पड़ेगा और अगर प्रॉफिट है तो लेस करने से पता चल जाएगा कितना कॉस्ट था ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है यहाँ 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 लिख सकते हैं सेल्स का सेल्स ये प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लॉस हुआ तो लॉस ठीक है फिर यहां पर क्या आ जाएगा टोटल इसको टोटल कर लेंगे टोटल बी ऐसे लिखेंगे तो फिर यहां माइनस नहीं भी लिखने से चलेगा फिर हम लोग लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक कैसे हो जाएगा ए माइनस बी ठीक है टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल माइनस जितना सेल हो गया तो जो बचेगा वही हम लोग का हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ठीक है क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बीफोर एडजस्टमेंट बिफोर एडजस्टमेंट क्यों लिखा है अगर क्वेश्चन में किसी तरह का एडजस्टमेंट होता है अब किस तरह का होगा अलग-अलग क्वेश्चन -अलग में हम लोग देखेंगे कि कितने तरह का एडजस्टमेंट हो सकता है ठीक है अच्छा अब अगर ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करने बोले तो सेम उसी तरह से इफ ओपनिंग स्टॉक इज टू फाइंड तो कैसे होगा तो ये स्टेटमेंट फॉर्मेट में ही हमें करना है यहाँ पर ही दिखा देते हैं ये देखो पर्टिकुलर्स फिर से वही बनाएंगे नॉर्मल एबनॉर्मल और टोटल अच्छा ओपनिंग स्टॉक जब कैलकुलेट होगा स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ठीक है सबसे पहले हम लोग क्लोजिंग स्टॉक क्या है वो पता करेंगे ठीक है क्लोजिंग स्टॉक होने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा याद करो हम लोग का क्या था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक अगर इधर रह रहा है तो पर्चेस इधर आ जाएगा सीओजीएस इधर आ जाएगा सीओजीएस एड हो जाएगा पहले एड वाला लिख लेते हैं क्यों देखो मैंने लॉजिकली भी उसी तरह से समझाया कि हम लोग के पास टोटल कितना स्टॉक अवेलेबल था लेकिन वो परचेस से कम या ज्यादा अगर होता है देखो परचेस से क्या हो सकता है परचेस से हम लोग का वो ज्यादा हो सकता है अगर ओपनिंग स्टॉक है या तो इक्वल टू परचे होगा अगर कोई ओपनिंग स्टॉक था नहीं जितना परचेस किए थे उतना ही अवेलेबल फॉर सेल होता फिर ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे पहले एड कर देंगे सीओजीएस अब सीओजीएस कैसे निकालेंगे सेम कंसेप्ट सेल से अगर हम लोग प्रॉफिट को लेस कर देते हैं अगर प्रॉफिट ओरियंटेड सेल था अगर लॉस है तो लॉस को एड कर देंगे ठीक है अच्छा सेल्स का भी नेट होगा मतलब अगर कोई रिटर्न वगैरह तो यहाँ पर, यहाँ पर हो होगा तो प्रॉफिट लॉस होगा तो लॉस या फिर इसको नेट करके एक बार में भी लिख सकते ठीक है अच्छा अब ये हो गया अब यहाँ से क्या करेंगे लेस करना पड़ेगा परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस ये भी लेस हो जाएगा परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस लेस होने के बाद जो बचेगा वही हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक बिफोर एडजस्टमेंट ठीक है ओपनिंग स्टॉक बिफोर एडजस्टमेंट अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो बाद में एडजस्ट करना पड़ सकता है ठीक है तो ये फॉर्मेट मैंने लिखवा दिया बाकी फॉर्मेट को रटने का जरूरत नहीं अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखो समझ में आ जाएगा ठीक है कैसे होगा और हर एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही नॉर्मल एबनॉर्मल लिख सकते हैं हम लोग लेकिन सारे क्वेश्चन में नॉर्मल एबनॉर्मल होगा ऐसा जरूरी नहीं है ठीक है तो देखो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो इलास्ट्रेशन सिक्स क्या बोल रहा है मेसर्स are in retail business, मेसर्स एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड आर इन रिटेल रिटेल बिजनेस बिजनेस ठीक है करते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर ऑप्टेन फ्रॉम दियर रेकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी तो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी में इनका कुछ डिटेल्स हमें दिया गया है गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर इन्होंने सप्लायर से गुड्स लिया है सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस तो जिनसे भी जिन सप्लायर से इन्होंने स्टॉक परचेस किया है उन्होंने ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है और टैक्स भी लगाया है ठीक है अब ट्रेड सब्जेक्ट टू मतलब हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है कंडीशन ये है कि ट्रेड डिस्काउंट और टैक्स एप्लीकेबल होगा वो किया हुआ नहीं है तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट है थ्री परसेंट सेल्स है इलेवन परसेंट क्योंकि ये किया हुआ होता तो हमें इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता कि यहाँ पर क्या हुआ है तब ऐसे नहीं लिखा हुआ रहता सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस का एप्लीकेशन अभी तक इस पे नहीं किया गया है जो स्टॉक है वो कितना होगा फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक रुपए का डिस्काउंट मिला तो वो नाइन रुपीज का हो गया और अगर उसपे टैक्स लगा अब देखो टैक्स कब लगना चाहिए टैक्स डिस्काउंट के पहले लगेगा कि डिस्काउंट के बाद पे ऑब्वियसली डिस्काउंट के बाद लगना चाहिए ठीक है जैसे अगर सौ रुपए का सामान दस रुपए का डिस्काउंट है तो नाइन्टी रुपीज ठीक है अब अगर टैक्स लगना है इस पे लगना चाहिए लॉजिकली क्यों क्योंकि अगर क्यों इसी पे लगता है अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट करने के बाद जो बचेगा उसी पे टैक्स लगना चाहिए नहीं तो ज्यादा हो जाएगा मान लो टैक्स है वन परसेंट ठीक है तो ये नाइन्टी रुपीज पे वन परसेंट कितना हो जाएगा नाइन्टी रुपीज पे वन पर टेन परसेंट कर देते ठीक है नाइन्टी रुपीज पे टेन परसेंट कर देते तो नाइन रुपीज हो गया ये भी मैंने टेन परसेंट किया हंड्रेड पे टेन परसेंट तो मान लो टेन रुपीज डिस्काउंट एंड टेन रुपीज ही अगर अगर टैक्स है तो ये हो गया नाइन रुपीस. अगर हम लोग ऐसा ना करके लॉजिक तो हो होता कि इस पे डिस्काउंट लग गया तो ये कितना हो जाएगा इलेवन रुपीज तो ये कितना आ जाएगा ये माइनस होगा क्योंकि टैक्स तो ऐड होगा प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाएगा और ये प्रोडक्ट के प्राइस को लेस करेगा तो ये हो जाएगा वन वन जीरो माइनस इलेवन ठीक है वन वन जीरो माइनस इलेवन तो ये हो गया 99 नाइन ठीक है ऐसे करके 99 नाइन आ जा रहा है बट ये इलॉजिकल है ठीक है इस तरह से नहीं होगा क्योंकि अगर टैक्स लगाना ही है तो टैक्स किस पे लगाना है जितने पे हम लोग सेल कर रहे हैं अगर हम लोग कस्टमर को नाइन्टी रुपीज में सेल कर रहे हैं तो टैक्स नाइन्टी पे ही लगना चाहिए ठीक है है सेल्स सेल्स टैक्स तो वैल्यू पे लगना चाहिए अगर हमें सप्लायर बोल रहा है कि आपको हम सौ रुपए भले लिखा हुआ हो मार्क मतलब एम आर पी हम लोग उसको नाइन्टी में देने वाले तो फिर सेल प्राइस या सेल वैल्यू जो होगा टैक्स हमेशा उसी पे एप्लीकेबल होना चाहिए ठीक है टैक्स हमेशा उसी पे एप्लीकेबल होना चाहिए तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस देन हम लोग का टैक्स ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगा जब तुम लोग इंटर में टैक्स पढ़ोगे तब भी देख सकते हो ठीक है तब तो डिटेल्स में पढ़ोगे लेकिन टैक्स हमेशा सेल्स सेल्स वैल्यू वैल्यू पे लगता है तो सेल्स क्या है है तो तो क्या अगर डिस्काउंट डिस्काउंट दे रहे तो देने के बाद का जो प्राइस है, वही हमारा सेल्स वैल्यू है फिर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल हुआ है एट्टी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट को बढ़ाएगा हम लोगों ने जो भी प्रोडक्ट खरीदा उसको पैक करने में और ट्रांसपोर्ट करवा

एंड uh, डेट का दे दिया फाइंड आउट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज बोला है ठीक है ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं बोला है डायरेक्टली तो हम लोग दोनों ही चेक करके देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग पहले क्लोजिंग स्टॉक का ही कैलकुलेट करेंगे अब एक चीज देखो क्लोजिंग स्टॉक का हमें सेल्स वैल्यू दे दिया है अगर क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग Value, क्योंकि जो है, वो हमेशा किस पे होता है, पे होता है. तो, तो क्लोजिंग तो कि इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है अगर वो पता कर लेते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर तो आ जाएगा तो हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूडेड है तो वो कैसे पता करेंगे तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये लोग इस प्रोडक्ट को बेच के कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कमाते हैं उसके लिए हमारे पास अवेलेबल डेटा है कि इस ईयर में इतना सेल हुआ है तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि, कि कितना प्रॉफिट अर्न हुआ है कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट कैसे अर्न कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट कैसे पता करेंगे कितना प्रोडक्ट सेल किया ठीक है और उसको कितने में परचेस किया था जो सेल किया उसको कितने में परचेस किया था अब यहां पर भी देखो हमारे पास टोटल परचेस अवेलेबल है टोटल परचेस टोटल ठीक है ये नहीं बताया है कि इसका परचेस वैल्यू ये बताया है कि टोटल परचेस उसमें से इतना सेल हो गया इतना बच गया लेकिन बचे हुए स्टॉक का हमें सेल वैल्यू बता दिया क्योंकि हमारा चैप्टर ही ये है कि हमें क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट कैलकुलेट करना है नॉर्मली कॉस्ट बताता है हमें बाकी तुम लोग फाइनल अकाउंट देख लो कहीं भी देख लो स्टॉक को कॉस्ट में ही बताया जाता है बट यहाँ पर चैप्टर ही है कि कॉस्ट ढूंढो इस वजह से यहाँ पर इसको सेल्स में बता रखा है हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग टोटल सेल्स टोटल सेल से टोटल कॉस्ट को लेस कर सकते हैं टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगा ये सब एडजस्ट करके क्योंकि टोटल हम लोग के पास इतना ही स्टॉक था ठीक है अब टोटल सेल कैसे पता करेंगे ये इतना सेल हुआ है और ये बचा हुआ है तो अगर ये भी सेल हो जाता तो कितना होता तो हमें टोटल सेल मिल जाएगा मेरे पास जितना भी स्टॉक है उसको मुझे अगर बेच देना होता थोड़ा बेच दिया मैंने लेकिन बाकी रख दिया है लेकिन जितना बेचा है रह गया है उसका अलग अलग परचेस प्राइस पता नहीं है ना कि अलग कैलकुलेट कर ले तो हम लोग क्या कर सकते हैं टोटल स्टॉक अवेलेबल जितना है उसका पहले प्राइस कैलकुलेट करेंगे और वही स्टॉक अगर पूरा सेल हो जाता है है ठीक तो कितना प्रॉफिट होता क्योंकि हमें सेल्स तो बता ही दिया है ये स्टॉक अगर पूरा सेल हो जाता है तो इतना इतने में सेल होगा तो फिर सेल से अगर हम लोग कॉस्ट को लेस करेंगे हमें प्रॉफिट पता चलेगा और उसी प्रॉफिट परसेंटेज को फिर हम लोग उसको प्रॉफिट परसेंटेज में ट्रांसफर करेंगे इस पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट जो है अमाउंट में निकल के आ जाएगा फिर उसे एलिमिनेट करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा ठीक है अब थोड़ा सा करते हैं तो देखो कैसे होगा पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा परचेस प्राइस ठीक है पहले हम लोग परचेस प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं बिना फॉर्मेट बनाए, है, है, तो है, तो बनाए भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा फॉर्मेट तब जरूरी होता है जब क्वेश्चन में नॉर्मल एब है नहीं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है ठीक है तो अभी हम लोग बिना फॉर्मेट बनाए भी कर सकते हैं कहा चला गया मेरा क्वेश्चन ये रहा इलास्ट्रेशन सिक्स ठीक है पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज जो भी स्टॉक परचेस किया है उसका कॉस्ट कितना है तो देखो Purchase of goods. जो गज किया है उसका वैल्यू है 15, 75, 500. 15, 75, 500. But ये हम लोग नहीं बोल पाएंगे क्यों क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ एडजस्टमेंट होना था डिस्काउंट का सेल्स टैक्स का जो किया हुआ नहीं है पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन वो करना पड़ेगा तो फिफ्टी आपको हम डिस्काउंट देते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट मैंने टी डी लिख दिया एट द रेट ऑफ थ्री परसेंट थ्री परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ऐसा बोला हुआ है तो देखते हैं कितना में हमें फिर खरीदना पड़ेगा फिफ्टीन सेवेंटी फाइव फाइव हंड्रेड तो डिस्काउंट चल रहा है इनका थ्री परसेंट ठीक है तो थ्री परसेंट यानी हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव ठीक है फोर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव माइनस फिफ्टीन सेवेंटी फाइव फाइव हंड्रेड ठीक है तो ये हो जाएगा फिफ्टीन ट्वेंटी एट टू थर्टी फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी एट टू थर्टी फाइव अब सप्लायर बोल रहा है अब आपका टैक्स भी चढ़ेगा इस पे ठीक है टैक्स कितना है टैक्स है इस प्रोडक्ट पे थ्री इलेवन परसेंट तो आपको इलेवन परसेंट टैक्स दे के ये प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा ठीक है तो टैक्स देंगे तो इसका प्राइस जो है वो तो बढ़ जाएगा ठीक है टैक्स लिया है सप्लायर ने इलेवन परसेंट इस पे कैलकुलेट होगा इलेवन परसेंट इन टू इलेवन परसेंट तो वन सिक्स एट वन जीरो सिक्स तो टैक्स पे करने के बाद कितना प्राइस हो जाता है टैक्स पे करने के बाद हो गया फिफ्टीन ट्वेंटी एट टू थर्टी फाइव टोटल हो जाएगा सिक्सटीन नाइनटी सिक्स थ्री फोर्टी वन सिक्सटीन वो सिक्स थ्री फोर्टी वन मैंने इसलिए अच्छा यही नहीं अब बोल रहा है कि आपका ये प्रोडक्ट हम लोग पहुंचा देंगे पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा एट्टी सेवन फाइव हंड्रेड ठीक है तो एड कर देंगे पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट एट्टी सेवन फाइव हंड्रेड तो बेसिकली जो भी गुड्स परचेस किया है ये ऑर्गेनाइजेशन ने मेसर्स जेड ने ठीक है इन्होंने जिनसे भी परचेस किया है उनको टोटल इतना पेमेंट करना पड़ेगा ये देखो कितना हो हो जाएगा ये गया 8, 11, 17, 81, 800, चेक कर लेते ही बाकी सेवन फाइव हंड्रेड होगा 841 हो गया ठीक है इतना हो गया परचेज प्राइस टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब इनके पास जितना भी स्टॉक है उसका परचेज प्राइस इतना है अच्छा अब इन्होंने सेल किया है जो ये देख लो सेल का क्या होगा अब यहाँ पर बोला है कि इन्होंने ये देखो सेल ड्यूरिंग द ईयर ट्वेंटी टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड और क्लोजिंग स्टॉक अगर सेल होता है तो टू लैख थर्टी फाइव थाउजेंड मतलब टोटल सेल्स वैल्यू क्या हो जाएगा ये देखो सेल्स वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर ट्वेंटी टू लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस सेलिंग वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर क्लोजिंग स्टॉक भी सेल हो जाता है तो वो टू लैख थर्टी फाइव थाउजेंड पे हो जाएगा टू लैख थर्टी फाइव थाउजेंड तो टोटल करते हैं ट्वेंटी फोर लैख एट्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड मतलब टोटल ये स्टॉक इतने में सेल हो सकता है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा देन प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल हो जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट ठीक है तो सेल्स वैल्यू कितना है ट्वेंटी फोर लैक एटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड और कॉस्ट कितना है सेवेंटीन सेवेंटीन एट्टी थ्री एट फोर्टी वन सेवेंटीन एटी थ्री एट फोर्टी वन ठीक है ये दोनों का डिफरेंस हमें क्या बताएगा कि प्रॉफिट कितना है तो माइनस ट्वेंटी फोर एट्टी फाइव हंड्रेड तो ये हो जाएगा सिक्स लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी नाइन सिक्स लैख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी नाइन ये हो गया प्रॉफिट ठीक है अब इस प्रॉफिट को क्या करेंगे इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे परसेंटेज में तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन क्या कैलकुलेट करना चाहिए सेल्स क्यों क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेल पे दिया हुआ है तो वही परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उसके सेल वैल्यू पे लगाएंगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा ठीक है तो यहां पर पहले चेक करते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना हो रहा है तो प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन सेल्स तो क्या होगा प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू हंड्रेड प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू हंड्रेड हंड्रेड क्योंकि डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर लैख एट्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू वन हंड्रेड तो ये हो गया ट्वेंटी एट पॉइंट जीरो नाइन परसेंट कर दिया एट फाइव था इसीलिए मैंने इतना कर दिया प्रॉफिट है इतना परसेंटेज ठीक है कैलकुलेट क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू इन कॉस्ट ठीक है क्योंकि कॉस्ट में ही होता है कॉस्ट बताना है क्लोजिंग स्टॉक का कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट कैसे होता है सेल्स माइनस प्रॉफिट तो सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है कितना दे रखा है टू लैख थर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है टू लैख थर्टी फाइव थाउजेंड जो भी स्टॉक है एज ए क्लोजिंग स्टॉक वो सेल होगा तो इतना हो जाएगा अब इस पे कितना इंक्लूडेड है प्रॉफिट है ट्वेंटी एट पॉइंट जीरो नाइन परसेंटेज बेसिस पे तो ये अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो कॉस्ट पता चल जाएगा टू लैख थर्टी फाइव थाउजेंड इन टू ट्वेंटी एट पॉइंट जीरो नाइन परसेंट रो वन टू सिक्सटी सिक्स जीरो वन टू माइनस टू लैख थर्टी फाइव थाउजेंड अच्छा ये हो जाएगा वन लैख सिक्सटी एट नाइन हंड्रेड एट्टी एट वन लैख 68988 ठीक है ये हो गया कॉस्ट तो हम लोग को यही पूछा था कि कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना होगा तो कॉस्ट ऑफ स्टॉक इतना हो जाएगा ठीक है अच्छा अब हमें ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ बोला नहीं है इस क्वेश्चन में देखो क्यों क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है गुड्स रिसिप्ड फ्रॉम सप्लायर इतना ही बोला है और कुछ नहीं बोला है कि रिसिप्ड तो मतलब पूरा ही परचेस है ठीक है पूरा ही परचेस है और हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है देखो कैसे पता चल रहा है यहाँ कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा क्योंकि ये पूरा परचेस का ही बता रखा है और ये सेल्स वैल्यू बता रखा है इसमें से जितना सेल हो गया और बाकी जितना बचा हुआ है ठीक है तो हम लोग को तो ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं दिख रहा है ठीक है इसको अगर रिवर्सली भी चेक करोगे तो ओपनिंग स्टॉक जीरो ही आएगा ठीक है तो ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है उसका वैल्यू देखो दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ रहेगा लेकिन कॉस्ट पे नहीं दिया हुआ रहेगा हमें इसको कॉस्ट में लाना पड़ेगा तो पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो भी स्टॉक परचेस किया उसका परचेज प्राइस टोटल कितना है अब ये देखो नॉर्मल एक कैलकुलेशन है ये डिस्काउंट लगा है टैक्स वैक्स लगा है तो क्या करना पड़ेगा पैकेज ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ है तो तो ये, ये ये total cost of purchase या purchase cost, ये 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 हो 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 गया गया, गया का या कितना कर लिया कि पूरा जो स्टॉक परचेस किया था अगर वो पूरा सेल हो जाता है तो इतना प्रॉफिट अर्न होगा एंड इसको परसेंटेज में ट्रांसफर कर लिया फिर उसी को हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक पे अप्लाई किया क्योंकि सेम रेट ऑफ प्रॉफिट का ही बात है क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह का स्टॉक है ऐसा नहीं कि कुछ दूसरा स्टॉक है दूसरे प्रॉफिट में बिकेगा ऐसा कुछ नहीं बोला क्वेश्चन एकदम सिंपल है फिर हम लोगों ने यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक पे प्रॉफिट एलिमिनेट कर दिया हमें कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मिल गया वन लैख सिक्सटी एट ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इलास्ट्रेशन सेवन इलास्ट्रेशन सेवन यहां पर क्या बोला है देखो

ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है टोटल इतना कॉस्ट का स्टॉक था ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ नहीं था मतलब जो खरीदा है उसी में से बेचा होगा और क्लोजिंग इतना पड़ा हुआ है ठीक है क्लोजिंग 50000 पड़ा हुआ है अब हमें क्या बोला है बस इतना ही दिया है और कुछ नहीं बस इस, इसी से हमें कैलकुलेशंस करके दिखाना है तो ये तो काफी आसान है देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर हम लोगों को सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये सेल्स जो है सेल करके कितना प्रॉफिट हुआ है अब कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या टोटल परचेस टोटल परचेस में वो स्टॉक भी आएगा जो सेल हो गया और वो स्टॉक भी आएगा जो क्लोजिंग में पड़ा हुआ है टोटल परचेस का मतलब हम लोग का कौन सा आएगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है अगर हम लोगों ने जो इस बार परचेस किया उसी में से कुछ सेल किया कुछ क्लोजिंग स्टॉक में है तो इसका मतलब ये टोटल परचेस जो वैल्यू है वो इसको और इसको इंक्लूड करता है ठीक है मतलब पहले वाले क्वेश्चन के तरह है लेकिन और भी आसान है ठीक है क्योंकि इसमें हमें ये सब नहीं दिया है क्या बोलते हैं उसे टैक्स जो ट्रेड डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल स्टॉक परचेस हम लोगों ने जो स्टॉक परचेस किया है उसका सेल्स वैल्यू क्या है ठीक है उसका सेल्स वैल्यू कैसे देखेंगे सेल्स ड्यूरिंग द ईयर टू लैक सेल्स वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑलरेडी सोल्ड ठीक है कितना है टू लैख ,00 और एड कर देते हैं सेल्स वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसका सेल वैल्यू कितना है फिफ्टी थाउजेंड तो ये कितना हो गया टू लैख ,00 फिफ्टी थाउजेंड टोटल स्टॉक इतने में बिक सकता है और इसी स्टॉक को परचेज किया गया था टू लैख ,00 से ठीक है लेस कर देते हैं परचेज वैल्यू ऑफ तो टोटल स्टॉक यहाँ पर ही कर देते ये हटा देते ठीक है इसी स्टॉक को टू लाख में परचेज किया गया था जिसमें से बिक गया है कुछ रह गया है तो बचा कितना फिफ्टी थाउजेंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉफिट क्योंकि सेल से अगर कॉस्ट हटा दोगे तो प्रॉफिट मिल गया ठीक है अब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो क्वांटिटी में पता चला अमाउंट में परसेंटेज कितना है फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट हम लोग क्या निकालेंगे हमेशा प्रॉफिट ऑन सेल्स ठीक है अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोलेगा तभी हम लोग उस पर जाएंगे अदरवाइज प्रॉफिट ऑन सेल्स क्योंकि हमें सेल्स वैल्यू ही गिवेन होगा क्वेश्चन में कॉस्ट अगर गिवेन होता तो कॉस्ट कैलकुलेट करने क्यों बोलेगा तो यहाँ प्रॉफिट हो गया सेल्स कितना है टू लैख तो हंड्रेड यहाँ पर हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू लैख तो ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है ये हो गया ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रॉफिट अर्न होता है तो क्लोजिंग स्टॉक सेल्स वैल्यू ये देखो क्लोजिंग स्टॉक सेल्स वैल्यू फिफ्टी थाउजेंड लेस प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट कितना क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है एट द रेट ऑफ ट्वेंटी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया प्रॉफिट ऑन सेल्स अब इस पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फिफ्टी थाउजेंड पे ट्वेंटी फाइव परसेंट कर लो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड आता है लेस इक्वल टू कर लो कैलकुलेटर पे थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये क्या हो गया कॉस्ट ऑफ

ये सेल वैल्यू मैंने सिर्फ जो सेल हुआ उसका लिख दिया गलत लिखा ना क्योंकि हम लोग अगर फिफ्टी थाउजेंड प्रॉफिट जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो टोटल स्टॉक का कर रहा है तो टोटल स्टॉक का सेल्स वैल्यू कितना होगा टू लैख फिफ्टी मैंने गलती से टू लैख लिखा हुआ है यहाँ टू लैख फिफ्टी होगा ये देखो टू लैख फिफ्टी होगा ना ये टोटल प्रॉफिट है ये कोई इस्पे इंक्लूडेड प्रॉफिट नहीं स्पे इंक्लूडेड प्रॉफिट है कितना वो हमें पता भी नहीं हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते उस तरह से तो यहाँ पर हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू लैख फिफ्टी इन टू हंड्रेड तो ये ट्वेंटी परसेंट होगा ये गलत हो गया यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट होगा अगर ये ट्वेंटी परसेंट हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा पे 20%. ये हो गया हम लोग का टेन थाउजेंड तो ये हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फोर्टी थाउजेंड जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसका कॉस्ट है फोर्टी थाउजेंड ठीक है कॉस्ट फोर्टी थाउजेंड है अच्छा तो इसका मतलब एक्चुअली क्या हुआ देखो अगर टू लैख का टोटल स्टॉक खरीदा गया था अगर फोर्टी थाउजेंड का पड़ा हुआ है इसका मतलब वन लैख सिक्सटी का स्टॉक बिक गया है ठीक है वन लैख सिक्सटी का स्टॉक बिक गया है और कितने में बिका है टू लैख में बिका है है ना तो इसका मतलब इसमें भी फोर्टी थाउजेंड प्रॉफिट इन लोगों ने अर्न किया है तो टू लैख पे ट्वेंटी परसेंट लगाओ फोर्टी थाउजेंड ही आएगा देखो हम ये प्रूफ मतलब बताना चाहते हैं कि हम लोग अलग तरीके से भी चेक करके देख सकते हैं ये देखो यहां पर टोटल स्टॉक था जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक में है हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया कॉस्ट पे तो फोर्टी अगर बचा हुआ है वन लैख सिक्सटी सेल हो गया होगा ठीक है सेल मतलब ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब अगर हम लोगों ने टू लैख में सेल किया है इसको ठीक है और प्रॉफिट कितना है हम लोग का ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल तो मतलब ट्वेंटी और वही हुआ है देखो 2, 000, में बेचा है अगर तो तो यहां पर करने का कोई जरूरत नहीं वाला इलास्ट्रेशन एट ठीक है इलास्ट्रेशन एट क्या बोल रहा है देखो

होता है क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब स्टॉक को अपने तक ला के होता है, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या फिर बिजनेस को संभालने का खर्चा बेटर तरीके से दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा वो सब पीएल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ठीक है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में कोई काम नहीं है क्योंकि पीएल आइटम है अब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है तो ट्रेडिंग आइटम देखना चाहिए अच्छा नीचे भी और एक है फाइनेंशियल चार्जेस ठीक है ये भी हम लोग का ये तीनों हमें ऐसे ही दे रखा है कन्फ्यूज करने के लिए इसका हमारा कोई काम नहीं है क्योंकि हमें तो ट्रेडिंग आइटम का जरूरत है ट्रेडिंग में ही क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक होता है हमें सिर्फ ट्रेडिंग सोचना है सेल यहाँ पर बता दिया है सेल बताया है कुछ नहीं बताया यानी ये कॉस्ट पे नहीं ये प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला बताया है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन ठीक से देखो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन मतलब इस डेट पे जब ये स्टॉक का वैल्यू किया गया

एबनॉर्मल या डिफेक्टिव बोल सकते हो मतलब वो स्टॉक को हम लोग नॉर्मल प्राइस में नहीं बेच सकते जैसे देखोगे मार्केट में वेजिटेबल देख सकते हो फ्रूट्स वगैरह देख सकते हो कुछ होता है कि कुछ का प्राइस जो है वो आ, मतलब मान लो एक ही पर्सन के पास Three types of banana या फ्रूट्स या एप्पल जो भी है ठीक है या फिर वेजिटेबल्स देख लो लेकिन बोलेगा ये एप्पल का प्राइस अलग है ये एप्पल का प्राइस अलग है एक तो होता है मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह की वजह से हो जाता है एप्पल का प्राइस अलग ठीक है तो वो एक अलग रीजन हो गया कि कहाँ से एप्पल आ रहा है अगर मान लो न्यूजीलैंड वगैरह से भी आता है तो वो उस वजह से प्राइस ज्यादा होता है वो अलग चीज है लेकिन अगर थोड़ा सा खराब है उसका प्राइस अलग होता है थोड़ा बेटर है उसका प्राइस बहुत अच्छा है उसका प्राइस अलग होता है मतलब कंडीशन क्या है फ्रूट्स का उसके हिसाब से भी प्राइस जो है वो डिसाइड होता है मतलब अगर कोई नॉर्मल प्राइस से नहीं बिकेगा थोड़ा सा डिफेक्टिव हो गया है ठीक है तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है उसे कम नहीं करने से नहीं बेच पाएंगे ठीक है एक खराब एप्पल को भी हम लोग बोल रहे हैं कि ये बीस रुपया पीस है फॉर एग्जाम्पल और अगर हम लोग बोलेंगे की जो अच्छा वाला एप्पल है वो भी बीस रुपए तो ऐसा थोड़ी ना होगा जो थोड़ा सा खराब हो गया उसका प्राइस कम करो ठीक है तो उसका प्राइस कम करना पड़ेगा तो वही चीज है अगर इनके पास ऐसा कोई स्टॉक होता है ठीक तो है उसी साथ से राइट ऑफ तो कर, कर दिया है और उसके बाद ये राइट ऑफ करने के बाद जो वैल्यू आया हुआ है जो वैल्यू आया हुआ है वो यहाँ पर स्टॉक में इंक्लूडेड है कैसे पता चला जब ये इन्वेंट्री वैल्यू किया गया तब देखा गया कि सेवेंटीन 500 राइट ऑफ करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर आइटम पे जि, जिसको इन्होंने 50,000 में खरीदा था नहीं तो बिकेगा नहीं तो यही बोल रहा है कि वैल्यूएशन जब किया गया तब ये पॉइंट जो है ये कंसिडर किया गया इसका मतलब ये इसमें थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का जो स्टॉक है वो है एबनॉर्मल एबनॉर्मल क्यों बोलेंगे क्योंकि वो नॉर्मली मार्केट में नहीं बिकेगा उसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा उसका वैल्यू हमें कम करना पड़ा तो ये इसमें इंक्लूडेड है थर्टी टू फाइव हंड्रेड ठीक है अब कितना इंक्लूड करना पड़ेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे तो इंक्लूड नहीं है ओरिजिनल कॉस्ट को हम लोगों ने इतने से कम किया ताकि बिक जाए कम से कम स्टॉक से निकले क्योंकि वैसे भी ये खराबी हो रहा है तो ये तो महंगे में तो बिकेगा नहीं पचास हजार में खरीदा है इसपे प्रॉफिट लगा के तो ये बिकेगा नहीं तो इसको कम कर देते हैं और इसका स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं अब थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वैल्यूएशन देखा कॉस्ट और एनआरवी तो ये हो गया कॉस्ट और ये क्या हो गया एनआरवी मतलब मार्केट में जो रियलाइजेबल वैल्यू दे सकता है एंड वज सोल्ड और यही डिफेक्टिव आइटम बिक भी गया कितने में फोर्टी फाइव थाउजेंड में ठीक है थर्टी टू फाइव हंड्रेड में हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था और ये बिक गया है फोर्टी फाइव थाउजेंड में मतलब प्रॉफिट में ही बिका है अगर फिफ्टी थाउजेंड से कंपेयर कर रहे हो तो गलत हो जाएगा फिफ्टी थाउजेंड से कंपेयर करोगे तो बोलोगे लॉस में बिका है लेकिन हमें तो पता ही है ना फिफ्टी थाउजेंड में बिकने वाला है ही नहीं अब फिफ्टी थाउजेंड भूल जाओ फिफ्टी थाउजेंड से कभी खरीदा था उसे भूल ही जाओ अभी हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये जो डिफेक्टिव आइटम है ये अगर बिक जाता है थर्टी टू फाइव हंड्रेड से ज्यादा में तो मेरा प्रॉफिट ही है तो प्रॉफिट भी, भी हुआ ये अब आइटम को बेच के प्रॉफिट भी हुआ अब क्या बोला है बैरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ड्यूरिंग दर वॉज ट्वेंटी परसेंट ऑन सेल इस आइटम को छोड़ के ये डिफेक्टिव वाले आइटम को छोड़ के बाकी जो भी बिका है मतलब अच्छा वाला जो भी प्रोडक्ट था वो जो बिका है वो ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट पे बिका है ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ये बताया और हम लोग को बोला है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो ठीक है तो अब हमें नॉर्मल एबनॉर्मल कॉलम या फिर फॉर्मेट जो भी बोलो इसको फॉलो करना पड़ेगा नहीं तो क्या होगा कंफ्यूजन हो जाएगा कि किधर क्या लिखना है तो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने बोला है तो कैसे कैलकुलेट होगा देखो पहले हम तुम लोग को एक बार एक टाइमलाइन ड्रॉ करके दिखा देते तुम लोग चाहो तो हर एक क्वेश्चन में कर सकते हो थोड़ा सा समझने में आसानी होगा तो इन्वेंट्री वन फोर टू थाउजेंड नाइनटीन देखो हम फिर से एक बार क्वेश्चन बोलते हैं क्योंकि इसके बाद लगभग लग ऐसा ही क्वेश्चन आएगा वन लैख फोर्टी टू फाइव हंड्रेड यहाँ पर इन्वेंट्री का वैलुएशन हो गया है वन लैख फोर्टी टू फाइव हंड्रेड है परचेज हुआ है सेवन लैख सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ है सेवन लैख सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड मैन्यूफैक्चरिंग एक्सपेंसिस

5,000 ये पूरे ड्यूरिंग ईयर का हमें डिटेल्स बताया फिर नीचे हमें बताया है कि जब 31 मार्च 2019 मतलब जस्ट इसके एक दिन पहले जस्ट वन डे बिफोर जब 31 मार्च 2019 था उस दिन जब स्टॉक का वैल्यूएशन हो रहा था तब इन्होंने देखा कि अच्छा एक 50,000 का तो स्टॉक है बट ये तो खराब हो गया है इसका वैल्यू थोड़ा कम कर देते हैं कितना करें वो उन्होंने अपने हिसाब से सोचा कि हम लोग इसको 17500 कम कर देते हैं तब इसका वैल्यू होगा 32500 अब जब स्टॉक वैल्यू होगा तो इस स्टॉक का वैल्यू हम लोग भूल जाएंगे कि कभी 50000 से खरीदे भी थे कुछ नहीं कर सकते बेकार हो गया अब हम लोग स्टॉक का वैल्यू कर रहे हैं फर्स्ट अप्रैल को तब इसमें कितना एडेड होगा इसमें थर्टी टू एडेड है ठीक है थर्टी टू नहीं एडेड है थर्टी टू एडेड है जो की एबनो नॉर्मल स्टॉक है बाकी जो है वो नॉर्मल स्टॉक है अच्छा अब उसके बाद क्या बोला है अब यही वाला स्टॉक बिक भी गया यही वाला ये यह अबनॉर्मल वाला स्टॉक सेल भी हुआ इस बार ठीक है कितने में सेल हुआ सेल हुआ है 45000 पे ठीक है प्रॉफिट भी हुआ 45000 पे सेल हुआ तो प्रॉफिट भी हुआ कितना हुआ माइनस कर लो 45000 से तो पता चलेगा 45000 माइनस थर्टी टू फाइव हंड्रेड तो ये हो गया ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड का प्रॉफिट अर्न हुआ ठीक है अच्छा अब क्या बोल रहा है हमें अः दिखाना हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है कितना होगा यानी 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा ये पूछ रहा है दूसरा हम लोगों ने जो नॉर्मल सेल किया है ठीक है जो नॉर्मल सेल्स है उस उसपे प्रॉफिट है 20 परसेंट और जो एबनॉर्मल सेल है उस उसपे प्रॉफिट है इतना हम लोगों ने अमाउंट में कैलकुलेट किया और यहाँ पर हमें टोटल सेल बोला था ठीक है इसको हम सेल्स लिख लेते हैं ये टोटल सेल बोल रखा था देखो यहाँ पर बोला है सेल्स कुछ नहीं बोला यानी टोटल सेल्स टोटल सेल्स मतलब जो भी स्टॉक और परचेस किया गया था जो भी स्टॉक था और जो परचेस किया गया था और मतलब परचेस मतलब मतलब उसमें ये 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 इंक्लूडेड हो हो जाएगा ये पूरे स्टॉक में से इतना सेल हो गया, मतलब ये जो सेल गया जो हुआ है ना वो इसमें इंक्लूड करके ही इसका वैल्यू बताया गया है तो इसमें ये जो सेल है इसमें एक नॉर्मल सेल भी है एक एबनॉर्मल सेल है लेकिन एबनॉर्मल सेल कितना है वो हम लोग को पता है ये देखो वो हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर लिया है तो ये एक्चुअली मैंने क्या किया पूरा इन्फॉर्मेशन तुम लोग को दिखा दिया कि क्या है अब हमें पूछा है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करो तो कैसे कैलकुलेट करोगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक बट इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट में लिखेंगे क्यों क्योंकि इसमें एब्नॉर्मल चीज लिखा हुआ है ताकि गलत ना हो ठीक है अच्छा अब देखो कैसे होगा हम लोग कैसे करेंगे सबसे पहले यहां पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी ठीक है अब फॉर्मेट बना लेते हैं नॉर्मल टोटल ठीक है तो फर्स्ट हमें क्या लिखना चाहिए ओपनिंग स्टॉक ठीक है फर्स्ट हमें क्या लिखना चाहिए ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर्टिकुलर लिखते हैं तो पहले ऐसे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ठीक है ओपनिंग स्टॉक का टोटल देखेंगे ओपनिंग स्टॉक का टोटल कितना है थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का एबनॉर्मल थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो नॉर्मल आइटम तो कितना बचा चेक करो वन लैख फोर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो बाकी जो भी बचा है वो नॉर्मल आइटम है दैट इज वन लैख टेन थाउजेंड ठीक है अब हमें क्या कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक वो भी दिमाग में रखना है अब हम लोग एड करेंगे उसमें परचेस तो ऐड कर देते हैं परचेज अच्छा परचेस टोटल कितना है तो टोटल में लिखो क्या हम लोगों ने कोई एबनॉर्मल आइटम परचेस किया था ऐसा इंफॉर्मेशन है नहीं ऐसा तो कोई नहीं है एबनॉर्मल आइटम तो प्रीवियस ईयर के स्टॉक में इंक्लूडेड था इस साल हम लोगों ने जो भी परचेस किया उसमें कोई एबनॉर्मल आइटम नहीं है ठीक है नहीं है तो नॉर्मल में ये पूरा चला जाएगा सेवन लैक्स सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड ये अगर टोटल ही नॉर्मल है तो नॉर्मल कॉलम में लिख दिया क्योंकि कॉलम तो हमें फिर मेंटेन कर रहे तो पूरा प्रोसेस में मेंटेन करना पड़ेगा फिर ऐड करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ताकि हमें पता चले कि, कि कितना स्टॉक अवेलेबल है हम लोगों का सेल करने के लिए अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किए बिना रॉ मेटेरियल फिनिश गुड्स में तो ट्रांसफर होने वाला है नहीं तो ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एडेड होता है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग वाला हो या फिर हम लोग का जैसे अगर हम लोग ट्रेडर है तो फिनिश गुड्स को गोडाउन तक लाने का खर्चा हो लोकेशन तक शॉप तक जो भी बोलो ठीक तो है तो मैन्युफैक्चरिंग है वन लैख फिफ्टी टोटल में पहले लिखेंगे अब चेक करेंगे क्या इसमें कुछ एबनॉर्मल नॉर्मल था नहीं ऐसा तो क्वेश्चन हमें नहीं बोला था तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंड ये हो गया अब हम लोग टोटल कर सकते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हम लोगों के पास इतना स्टॉक है फॉर सेल बेचने के लिए ठीक है? है? कितना चेक करो। ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नॉर्मल स्टॉक है बेचने के लिए ठीक है एब नॉर्मल को क्यों अलग किया क्योंकि वो नॉर्मल की तरह सेम प्रॉफिट में थोड़ी ना बिकेगा तो वन लैख फोर्टी टू फाइव हंड्रेड प्लस Uh, कितना हो जाएगा सेवन लैख सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड प्लस वन लैख फिफ्टी टेन लैख फिफ्टी फाइव है? और यहाँ पर हो जाएगा टेन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड अच्छा अब यहाँ पर हो गया थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हम लोग को पता चल गया कि टोटल हम लोग के पास कितना गुड्स था अवेलेबल फॉर सेल और हम लोगों ने कितना सेल कर दिया तो अगर उसके बाद भी कुछ हुआ है वही क्लोजिंग स्टॉक होगा तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर इसको ए नाम दे देते हैं इतना है अब हम लोग चेक करेंगे कि जो स्टॉक बेचा उसका कॉस्ट क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चेक करेंगे ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चेक करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे चेक किया जाता है सेल्स वैल्यू अगर दिए हुए हैं उससे लेस करना पड़ेगा प्रॉफिट ठीक है सेल्स वैल्यू अगर दिए हुए उससे लेस करना पड़ेगा प्रॉफिट चेक करते हैं सेल्स वैल्यू बोला सेल हुआ है तो हम एक बार टोटल सेल लिखेंगे वो एबनॉर्मल आइटम का हुआ है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फोर्टी फाइव थाउजेंड तो नॉर्मल आइटम का कितना सेल हुआ है ट्वेल्व लैक फोर्टी फाइव थाउजेंड माइनस फोर्टी फाइव थाउजेंड तो ये हो गया ट्वेल्व लैख तो ट्वेल्व लैख का नॉर्मल सेल हुआ है ठीक है अब जो नॉर्मल सेल होता है उस पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है ट्वेंटी परसेंट ठीक है तो यहाँ पर देखो एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट लगाएंगे अब 20 किस पे डिफाइन किया था एक बार चेक कर लेते हैं ऑन सेल्स बोला था अच्छा है हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा ये सेल्स वैल्यू है इसी पे लगा लेते हैं ट्वेल्व लैख पे ट्वेंटी परसेंट लगा लेंगे तो यहाँ पर आ गया टू लैख फोर्टी थाउजेंड तो इसका मतलब इस पे टू लैख फोर्टी थाउजेंड का प्रॉफिट अर्न किया और इसपे कितना प्रॉफिट अर्न किया कैसे पता करेंगे ये कितने में सेल हुआ है ये सेल हुआ है फोर्टी फाइव थाउजेंड जिसका कॉस्ट था थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है तो इसपे हम लोगों ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा चेक कर लो माइनस करने से पता चल जाएगा तो ये ये एक्चुअली काम करते हैं ये इस कॉलम के हिसाब से अगर चले तो ये प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर ये ट्वेंटी परसेंट नहीं है तो यहाँ पर ऐसे मैंने डैश लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया टू लैख फोर्टी थाउजेंड ठीक है अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट एट द रेट ऑफ ट्वेंटी और यहाँ पर लिख देते हैं प्रॉफिट अमाउंट ठीक है अमाउंट जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है प्रॉफिट अमाउंट या फिर ऐसे लिख सकते हैं लेस प्रॉफिट ऑन एबनॉर्मल सेल तुम लोग पूरा एबनॉर्मल लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन एबनॉर्मल सेल तो एबनॉर्मल सेल पे कितना प्रॉफिट हुआ है थर्टी टू फाइव हंड्रेड का था स्टॉक एबनॉर्मल वाला उसको सेल कर दिया है फोर्टी फाइव थाउजेंड पे तो चेक कर लो कितना प्रॉफिट हुआ है 500, तो तो हुआ है तो यहां पर लिखेंगे कॉलम मेंटेन में, लिख में में कर रहे तो उसको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा ये हो गया अच्छा अब सेल से प्रॉफिट लेस करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा तो सीओजीएस कितना आ रहा है चेक करते हैं ट्वेल्व लैक का था से, सेल वैल्यू और टू लैख फोर्टी उस पर हुआ है, है. अच्छा, था, अब इसका मैं पता है ये थर्टी टू फाइव हंड्रेड ही आएगा है ना इसका तो हमें पता ही है ना थर्टी टू फाइव हंड्रेड ही आएगा माइनस करके भी देख लो और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का नाइनटी नाइन लैख नाइन लैख नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये दोनों को ऐड कर लो तब भी हो जाएगा ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हो गया बी अब हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा टोटल गुड्स जितने भी अवेलेबल फॉर सेल थे और जितने भी बिग गए माइनस करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है तो वही क्लोजिंग स्टॉक होगा ठीक है तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होगा क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट हो जाएगा ए माइनस बी करके ठीक तो है तो टेन लैख ये माइनस करते हैं टेन लैख ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड माइनस नाइन लैख सिक्सटी तो ये हो जाएगा सिक्सटी टू थाउजेंड 500 ठीक है 62,500 ये कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि ये तो पूरा का पूरा बिक गया जो एब हम लोगों ने अपने हिसाब से राइट ऑफ किया था वो तो पूरा ही सेल हो गया तो वो तो जीरो होगा ही वैसे भी देख लो माइनस करोगे तो जीरो ही होगा अब टेन लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड माइनस नाइन नाइनटी टू फाइव हंड्रेड तो ये भी वही आएगा सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हो गया सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है तो अगर हमें नॉर्मल एबनॉर्मल क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो हमें इस तरह से फॉर्मेट में करने से गलत होने का चांसेस कम होता है बाकी तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे अभी हम लोगों ने किया लेकिन वो तब करना बेटर होता है अगर हमारे पास नॉर्मल एबनॉर्मल का कंसेप्ट नहीं है तो अगर है तो ये सबसे इजी फॉर्मेट फॉर्मेट होगा और पहले ये चीज कर लेना चाहिए ये एक बार दिमाग में देख लो कि क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है तो ये हो गया ठीक है कि कैसे करके हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पर क्या बोला है ए ट्रेडर प्रिपेयर इज अकाउंट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च इच ईयर ड्यू टू सम समबल रीजन नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल फिफ्टीन अप्रिल टू ऑन विच डेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन गोडाउन केम टू फाइव लैक ये नया पॉइंट आ गया देखो क्या बोल रहा है एक ट्रेडर है जो थर्टी फर्स्ट मार्च को ही अपना वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक जिनका प्रिपेयर तो करना पड़ेगा कुछ आ गया था जिस से नहीं किया और वो पंद्रह अप्रैल तक कुड भी पॉसिबल नो इन्वेंट्री टेकिंग कु्रिफ्टी अप्रैल तक कोई भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री कैलकुलेट नहीं हो पाया क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन विच स्टेट द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन इज गोडाउन केम टू फाइव लैक और इस स्टेट पे इनके गोडाउन में स्टॉक का वैल्यू है फाइव लैक पहले हम लोग ये लिख लेते हैं देखो तब समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है यहां पर हो थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी बट ही नहीं कि कोई स्टॉक का वैल्यूएशन कर पाए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था ऑन विच डेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन गोडाउन एक बार फिर पढ़ लेते नो इन्वेंट्री टेकिंग कुल ट्वेंटी ट्वेंटी ऑन विच डेट कॉस्ट ऑफ गुड्स इन गोडाउन केम टू फाइव लैक अच्छा तो फाइव लैख इस दिन इनको पता चला कि इनके गोडाउन में फाइव लैख रूपीज का स्टॉक है इस दिन नहीं कर पाए थर्टी फर्स्ट 2020 टू थाउजेंड ट्वेंटी को वैल्युएशन करना चाहिए था लॉजिकली बट फॉर सम रीजन उन्होंने नहीं किया फिफ्टींथ अप्रैल तक और उस दिन जब किया तब ये इनका स्टॉक का वैल्यू आया जो भी स्टॉक था गोडाउन में ऑन दैट मोमेंट वो हुआ फाइव uh, लैकोइंग से लेके यहां, कुछ हो गए वो तो होगा बिजनेस थोड़ी ना बंद होगा प्रॉब्लम था स्टॉक वैल्यूएशन नहीं हुआ लेकिन क्या इसके लिए सेल परचेज बंद हो सकता है नहीं बिजनेस तो अपना चल रहा है सेल्स हुआ है फोर लैख टेन इंक्लूडिंग कैश सेल वन लैख तो ठीक है कैश सेल हो या क्रेडिट सेल हो सेल होने से तो स्टॉक आउटफ्लो होगा ही तो सेल्स बोला है फोर लैक टेन तो यहाँ पर सेल्स हुआ है फोर लैक टेन इस पीरियड में ये क्वेश्चन ही हमें बता रहा है फिर बोला है परचेज हुआ है फिफ्टी थाउजेंड थ्री फोर्टी इंक्लूडिंग कैश परचेस ठीक है कैश परचेस करो क्रेडिट परचेस करो स्टॉक तो इंक्रीज होगा ही स्टॉक इनफ्लो तो होगा ही तो इस पीरियड में परचेज हुआ है

पीछे का डेट बता दिया है हमें ओपनिंग स्टॉक इसका मतलब कैलकुलेट करना है अगर हमें थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी का कैलकुलेट करना है इस डेट के बेसिस पे तो बेसिकली हम लोग इसको ओपनिंग अगर ये एक छोटा सा फाइनेंशियल ईयर मानते हैं अगर इसे एक छोटा सा फाइनेंशियल ईयर मानते हैं तो ये ओपनिंग या क्लोजिंग तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का लॉजिक लगाए की कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कैसे होता है तो हम लोग इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अब ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे होता था याद करो ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन होगा क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओजीएस माइनस परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना है बाकी इस क्वेश्चन में भी हमें एबनॉर्मल नॉर्मल कुछ बोला नहीं है ठीक है तो हम लोग कैसे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग या फिर ऐसे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ओपनिंग नहीं लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन थर्टी ऑफ मार्च टू ट्वेंटी ऐसे लिख दिया ठीक है अच्छा अब इस पे हम लोग कैसे करेंगे अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखना चाहिए हमें क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मल एब नॉर्मल नहीं भी लिखोगे चलेगा क्वेश्चन में तो है नहीं ठीक है तो क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन फिफ्टीन ऑफ अप्रैल या फिर सिर्फ स्टॉक भी चाहो तो लिख सकते हो कितना है फाइव लैक ठीक है फाइव लैक है अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एड करना पड़ेगा सीओजीएस एड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे होगा सेल्स माइनस प्रॉफिट तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सेल्स माइनस प्रॉफिट सेल्स कितना हुआ है फोर लैक टेन और नेट करना पड़ता है तो रिटर्न लेस करना पड़ेगा तो प्रॉफिट के आगे हमें रिटर्न लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में रिटर्न था फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट क्योंकि जो रिटर्न हो गया उस पर तो प्रॉफिट नहीं निकलेगा ना तो इसलिए पहले रिटर्न नहीं लिखना पड़ता है फोर लैख टेन माइनस टेन थाउजेंड फोर लैख ये हो गया नेट सेल ठीक है नेट सेल पे प्रॉफिट कैलकुलेट करें प्रॉफिट भी बता दिया ट्वेंटी परसेंट तो फोर लैख पे ट्वेंटी परसेंट एटी थाउजेंड तो ये हो जाएगा थ्री लाख ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है एड कर देते हैं ये हो गया फाइव लैख ट्वेंटी थाउजेंड तो ये हो गया स्टॉक अवेलेबल मैम एट लाख ट्वेंटी थाउजेंड एट लाख हो रहा है ना अच्छा हाँ एट लाख ट्वेंटी थाउजेंड एट लाख ट्वेंटी थाउजेंड होगा एट लैख ट्वेंटी थाउजेंड स्टॉक अवेलेबल ठीक है अब हम लोग जो परचेस किए हैं वो लेस कर देंगे तो कुछ ओपनिंग स्टॉक था तो पता चल जाएगा परचेज लेस कर देते हैं और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो भी लेस कर सकते हैं तो परचेज है डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है नहीं फिफ्टी थाउजेंड थ्री फोर्टी लेस कर देते हैं परचेज फिफ्टी थाउजेंड थ्री फोर्टी तो एट लैख ट्वेंटी माइनस फिफ्टी थाउजेंड थ्री फोर्टी तो सेवन लैक्स सिक्सटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटी आया ठीक है तो ये हो गया स्टॉक एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड 20 31 मार्च 2020 में इतना स्टॉक रहा होगा मतलब अगर वो टाइम पे कैलकुलेट कर लेते तो उनको ये वैल्यू मिल जाता तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो हम लोग जस्ट उसको चेक करेंगे कि वो ओपनिंग डेट हो रहा है ये क्लोजिंग डेट हो रहा है और उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे 769660 हां ठीक हुआ अच्छा नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 10 यहाँ पर काफी सारा पॉइंट है इन्वेंट्री टेकिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज कंप्लीटेड ऑन 10th अप्रैल फिर से वही प्रॉब्लम कि इन्वेंट्री कैलकुलेट तो करना था 31 मार्च 20 को बट कैलकुलेशंस कंप्लीटेड हुए हैं 10th अप्रैल को द वैल्यूएशन ऑफ विच शोड इन्वेंट्री फिगर 1675000 मतलब इस डेट पे दिख रहा है 16, 75, 000, जो कि कॉस्ट पे है, एट कॉस्ट एज ऑन द कंप्लीशन डेट इस डेट पे वैल्यूएशन कंप्लीट हुआ और वैल्यू मिला सिक्सटीन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो इसको पहले लिख लेते हैं इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ये देखो नॉर्मली स्टॉक कैलकुलेशन होता है थर्टी फर्स्ट मार्च को ईयर दे रखा है ट्वेंटी 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 दे रखा है बट वैल्यूएशन करना स्टार्ट स्टार्ट हुआ start हुआ उसके बाद कंप्लीशन होने में लग गए ऑफ अप्रैल फिगर इन्वेंट्री का आया सिक्सटीन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सिक्सटीन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड और ये कॉस्ट पे है ठीक है ये हो गया स्टॉक वैल्यू ऑन कॉस्ट क्वेश्चन हमें बता दिया है क्लियरली कि ये कॉस्ट है अच्छा फिर देखो आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेंट्री टेकिंग मतलब यहां से लेके यहाँ आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टिल द इन्वेंट्री वाज़ टेकिंग इस पीरियड के मिडिल में क्या क्या हुआ है शायद ऐसा बताएगा देखो क्या बोला है सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर मेड

अब सेल पे कितना होगा देखो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि कैसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ये देखो 33.33 .33 का मतलब ही होता है वन थर्ड तो वन थर्ड ऑन अगर कॉस्ट है तो सेल पे कितना होगा 33.33 .33 का मतलब होता है वन थर्ड है ना मतलब अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो वन थर्ड होता है तो वन थर्ड ऑन कॉस्ट का मतलब ये प्रॉफिट कॉस्ट ठीक है प्रॉफिट फिक्स रहता है तो सेल कितना होगा अगर थ्री रुपीज का चीज रुपीज के प्रॉफिट में बेचते हैं तो सेल वन फोर्थ होगा तो थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ऑन कॉस्ट दैट इज वन फोर्थ ऑन सेल्स और वन फोर्थ का मतलब परसेंटेज में भी लिख सकते हो ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन

ट्रेड डिस्काउंट इसमें से क्या कर रखा है ट्रेड डिस्काउंट इसमें से लेस ये लेस कर रखा है क्या टू कॉस्ट लेस अच्छा नाइन्टी थाउजेंड कॉस्ट है लेस करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट टेन परसेंट तो परचेज जो हुआ है वो है नाइन्टी थाउजेंड कॉस्ट परचेज इसका नाइन्टी थाउजेंड जो है कॉस्ट कॉस्ट प्राइस मतलब जो एक्चुअल प्राइस लेस टेन परसेंट करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट Trade discount. ये purchase हो गया। ठीक है। इसी period में goods को आ, मतलब इन्वेंट्रीज को लिया गया है ठीक है कितना मार्कअप मतलब होता है मार्कअप का मतलब होता है हम लोगों का प्रॉफिट uh, ठीक है तो इन्वेंट्री एट द मार्कअप प्राइस ऑफ थ्री थाउजेंड इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न ठीक है इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न अच्छा तो यहाँ पर बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वेयर एडेड टू इन्वेंट्री एट मार्कअप प्राइस मतलब सेल वैल्यू में ही गुड्स को ऐड कर दिया गया क्यों मैंने बोला सेल्स वैल्यू क्योंकि सेल्स वैल्यू का मतलब होता है एड मतलब कर दिया गया था सेल्स में इस लाइन का मतलब फिर से एक बार पढ़ो ड्यूरिंग दिस पीरियड इस पीरियड में गुड्स वे आर एडेड टू इन्वेंट्री मतलब स्टॉक में गुड्स को एड कर दिया गया था मार्कअप प्राइस पे मार्कअप प्राइस जो कि है थ्री थाउजेंड मतलब प्रॉफिट लगे हुए प्राइस पे और ये था एक्चुअली सेल्स रिटर्न तो इसे सेल्स से लेस करना चाहिए मतलब बेसिकली ये सेल्स रिटर्न हो गया थ्री थाउजेंड हम लोग का एक सेल्स रिटर्न भी हुआ था ठीक है तो सेल्स रिटर्न हुआ था ये हमें

250, which should be taken at to to ensure disposal to an interested customer. लेना चाहिए ताकि ऐसे स्टॉक को लेने वाले कस्टमर को हम लोग इसे बेच पाए ठीक है तो यहां पर इलेवन टू फिफ्टी आया हुआ है यहां पर ये जो स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ है ये जो स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ है यहां पर इंक्लूड है इंक्लूड है एबनॉर्मल आइटम कितने का

तो किसी कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट डिलीवरी करना था जो सप्लायर देने वाला था सप्लायर से लेके कस्टमर को दे देते लेकिन फ्लड और कुछ प्रॉब्लम की वजह से हेवी फ्लड के वजह से सप्लायर ने वो टाइम पे दिया नहीं ठीक है और कस्टमर को वो टाइम पे मिला नहीं कितने का फिफ्टीन फाइव हंड्रेड अब हुआ क्या एज ए रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी एंड नेट रियबल वैल्यू ऑफ द गुड्स वॉज एस्टिमेटेड टू बी अब कस्टमर बोल रहे आपने टाइम पे दिया नहीं मुझे तो लेना नहीं है आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं ठीक है तो अब नहीं लेना है तो क्या करें क्योंकि टाइम पे डिलीवरी नहीं हुआ है तो कस्टमर का हक है वो रिजेक्ट कर सकता है रिजेक्ट कर दिया इस वजह से उस स्टॉक का वैल्यू वो अब आ, इतने में नहीं बिकेगा ठीक है 15, में तो वैसे भी बेचना नहीं था प्रॉफिट लगा के ही बेचते लेकिन अब ये बिकेगा ही नहीं कस्टमर तो ना बोल रहा है अब ये तभी बिकेगा अगर इसका वैल्यू थोड़ा बहुत कम कर दिया जाए और इन्होंने कम किया है ट्वेल्व ठीक है कब इसका ये वैल्यूएशन किया गया थर्टी मार्च कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री फॉर इंक्लूजन इन द 2020. 2020 2020 हमें का का ये वाला, 31st March 2020 का मतलब कैलकुलेट करने बोल रहा है closing stock according to the financial year. But हम लोग इस क्वेश्चन को ये क्लोजिंग डेट मानेंगे और ये ओपनिंग मानेंगे और इस उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ठीक है हमारे पास और एक डिफेक्टिव आइटम भी आया ठीक है और एक डिफेक्टिव आइटम भी आया जिसका वैल्यू हम लोगों ने ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड किया है ठीक है तो देखो कैसे होगा हम पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं यहां पर नॉर्मल, टोटल और ये हो गया पर्टिकुलर क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना है तो हमें स्टार्ट कहां से करना है क्लोजिंग स्टॉक से तो सेम इसी तरह से होगा क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस परचेस तो पहले लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक है टू थाउजेंड 2020 को हम लोग के पास टोटल स्टॉक कितना है टोटल पहले देखो सिक्सटीन लैख सेवेंटी फाइव है अब इसमें एबनॉर्मल अच्छा एबनॉर्मल का हमें दो कॉलम करना पड़ेगा ठीक है एक है एबनॉर्मल ड्यू टू स्लो मूविंग और एक है ड्यू टू फ्लड डिफेक्टिव ब्रैकेट में फ्लड लिख देते है रीजन जो है वो फ्लड है डिफेक्टिव रीजन क्या है फ्लड क्यों डिफेक्टिव हो गया टाइम पे नहीं पहुंचा कस्टमर अभी बोल रहे है, नहीं लेना है इस वजह से इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे डिफेक्टिव क्योंकि क्वेश्चन ही बोल दिया कि उसका वैल्यू इस वजह से कम कर दिया गया और वो कहां पर इंक्लूडेड है बता दिया था देखो कहां पर इंक्लूडेड है उसको मैंने अभी लिखा नहीं है देखो यहाँ पर बता दिया था ड्यू टू हेवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग फिफ्टी फाइव हंड्रेड वीर रिसीव फ्रॉम द सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर एज अ रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी एंड नेट रियलाइज वैल्यू ऑफ द गुड्स एस्टिमेटेड टू बेल्थ थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड हुआ है यहां पर यहां पर भी इंक्लूड है एबनॉर्मल आइटम और एक है डिफेक्टिव डिफेक्टिव कितना है यह है फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कॉस्टिंग है फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड कॉस्टिंग इतना है अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा नॉर्मल तो हम लोग माइनस करके निकाल लेंगे पहले हम लोग देखते हैं एब नॉर्मल हम के पास क्या क्या है तो ये है 16, 75, 000 और एबनॉर्मल आइटम का एक बार देख लो क्या बोला था ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वेयर एडेड टू इन्वेंट्री एट द मार्कअप प्राइस ऑफ थ्री इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग कहा चला गया हम लोग का जो स्लो मूविंग आइटम था मूविंग वाला आइटम कहा चला गया ये तो हाँ ये रहा आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट देयर वेर सर्टेन वेरी स्लो

भी लिया नहीं गया ये लेने के बाद पता चला आफ्टर टेकिंग फाइव टू फाइव जीरो टू एंश्योर डिस्पोजल टू एन इंटरेस्टेड कस्टमर ताकि हम लोग इंटरेस्टेड कस्टमर को बेच पाए तो यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट था देखो यहां पर हमें बोला है कि इसमें इंक्लूड फिर नहीं है है ना इंक्लूड एबनॉर्मल आइटम है लेकिन कितने में है ये क्वेश्चन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बोला है कि आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इन्वेंट्री टेकिंग कंप्लीशन होने के बाद हम लोगों को पता चला कि इलेवन टू फिफ्टी का जो स्टॉक है उसे फाइव टू फाइव जीरो में लेना चाहिए यानी इंक्लूड एबनॉर्मल आइटम जो है वो एबनॉर्मल वैल्यू फाइव टू फाइव जीरो है लेकिन उसको यहाँ पर लिया गया कितने में होगा क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन होने के बाद पता चला कि हम लोगों के पास एबनॉर्मल आइटम दो तरह का है देखो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा के लिख के दिखा देते हैं, ये देखो ये पॉइंट एक बार समझा देते हैं यहाँ पर वैल्यूएशन हो गया क्लोजिंग स्टॉक का ठीक है उसके बाद देखा गया कि यहाँ पर एक स्लो मूविंग आइटम है होने के बाद वैल्यूएशन होने के बाद स्लो मूविंग आइटम है जिसका यहाँ पर कॉस्ट है इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी इलेवन ये है ओरिजिनल कॉस्ट ठीक है और एक डिफेक्टिव आइटम है फ्लड के वजह से वो आइटम बिका नहीं टाइम पे नहीं मिला था इस वजह से ये देखो यहाँ पर भी बोल दिया था ड्यू टू हेवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 ठीक है ये कितने का है 15,500 ये हम लोग का ओरिजिनल कॉस्ट है रिसीड फ्रॉम सप्लायर और एज अ रिजल्ट द कस्टमर रिफ्यूज टू टेक द डिलीवरी एंड डेट रियलाइजल वैल्यू ऑफ द गुड्स वेर एस्टिमेटेड टू बी 12500 ठीक है ये 12500 का एस्टिमेट होगा तो ये जो है इसका इसका राइट ऑफ करने के बाद वैल्यू यहां पर लिखते हैं एबनॉर्मल वैल्यू और इसका भी एबनॉर्मल वैल्यू 5 to 5, होना होना चाहिए चाहिए और इसका इन्होंने किया है होना चाहिए 12, ठीक है ठीक लेकिन ये सब स्टॉक के बाद देखा गया तो इसका मतलब स्टॉक में ये वैल्यू कैसे इंक्लूडेड होगा उनके ओरिजिनल कॉस्ट में ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टॉक वैल्यूएशन के बाद हुआ ठीक है तो यहाँ पर ट्वेल्व इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी स्लो मूविंग आइटम है 11250 स्लो मूविंग आइटम है और डिफेक्टिव जो हुआ है ड्यू टू फ्लड वो है 15500 15500 तो नॉर्मल आइटम कितना होगा हम लोगों को ऐड करके लेस करना पड़ेगा ये देखो कैसे हो जाएगा यहाँ पर है 167500 11250 माइनस फिफ्टीन फाइव हंड्रेड तो ये हो जाता है सिक्सटीन लैखी एट थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्सटीन लैखी एट थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी ये हम लोग का हो गया नॉर्मल आइटम ठीक है ये हम लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया अब हम लोग लिखेंगे इस पे क्या लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक के बाद ऐड करेंगे सीओजीएस है ना ये देखो ऐड क्या करना पड़ेगा सीओजीएस तो सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ऐड करते हैं सीओजीएस सीओजीएस कैसे ऐड कर पाएंगे सेल्स से सेल से लेस करना पड़ेगा प्रॉफिट ठीक है सेल से लेस करना पड़ेगा प्रॉफिट तो टोटल ऑफ सेल्स कितना है वो भी देखेंगे सेल्स हमें अलग-अलग बता दिया ये देखो ये है 68750 ये नॉर्मल सेल है ठीक है क्योंकि एब्नॉर्मल सेल का हमें अलग से बता दिया है तो 68750 लेकिन इसमें एक रिटर्न है ठीक है तो यहां पर एक पहले रिटर्न नेट सेल लिखना पड़ेगा 68750 लेस रिटर्न 3000 तो ये कितना हो जाएगा सिक्सटी फाइव सेवन फिफ्टी ठीक है सिक्सटी फाइव सेवन हंड्रेड फिफ्टी ये हो गया हम लोगों का नॉर्मल सेल्स ठीक है नॉर्मल सेल्स नेट सेल नेट सेल एंड एज वेल एज नॉर्मल सेल्स अब इसे लेस करेंगे प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज है सेल्स के ऊपर 25% ठीक है सेल्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 25% तो कितना हो जाएगा 65000 750 25% यानी 1643 सेवन है तो इसको मैं एट कर देते आ रहा है ठीक है मैंने एट कर दिया माइनस इक्वल टू तो ये हो जाता है फोर नाइन थ्री वन थ्री ठीक है फोर नाइन थ्री वन टू टू यहाँ पर लेस करने से आएगा तो ये है नॉर्मल सेल्स तो नॉर्मल सेंस में लिखते हैं फोर नाइन थ्री वन टू ठीक है 4, 9, 3, 1, 2, ये हो गया ये हो गया हम लोग का नॉर्मल सेल्स का कॉस्ट नॉर्मल सेल्स का कॉस्ट ठीक है अब ये स्लो मूविंग आइटम का सेल्स वैल्यू क्या होगा ठीक है स्लो मूविंग आइटम का सेल्स वैल्यू क्या होगा अब इसको देखो यहाँ पर बता दिया था कि ये बिकेगा तो कितने में बिकेगा ये वाला बिकेगा तो फाइव टू फाइव जीरो डिसाइडेड हुआ है फाइव टू फाइव जीरो डिसाइडेड हुआ है ठीक है इलेवन टू फिफ्टी का कॉस्ट डिसाइडेड हुआ है फाइव टू फाइव जीरो तो ये क्या है यहाँ पर यह नहीं बोला है कि ये कितने में बिक सकता है लेकिन क्या बोला है देखो किस तरह से लैंग्वेज दिया हुआ है कि कॉस्टिंग इलेवन टू फाइव जीरो है जिसको फाइव टू फाइव जीरो पे लेना पड़ेगा ताकि इंटरेस्टेड कस्टमर को हम लोग बेच पाए ठीक है यानी यही हम लोगों का एनआरबी होगा क्योंकि इसके बाद हमें बोला नहीं है बाकी क्वेश्चन की तरह की कि ये कितने में बिका तो इसको फाइव टू फाइव जीरो में लेना पड़ेगा और कितने में बिका अगर ये नहीं बोला है तो हम लोग यही मानेंगे कि जितना में रिकॉर्ड किए थे एटलीस्ट उतना में ही तो बिका होगा क्योंकि हमें

ठीक है, ये बताते है कैसे हुआ? Total stock available. तो लैक फोर्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी का नॉर्मल स्टॉक था 49312 का स्टॉक बिक गया था यानी टोटल स्टॉक अवेलेबल था 16 लैख 562 ठीक है और जो स्लो मूविंग आइटम था उसका कॉस्ट कितना लिया गया एक का लिया गया है हम लोगों का 5250 जो स्लो मूविंग आइटम था उसका वैल्यू लिया गया 5250 टू फाइव जीरो दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू और दूसरे वाले का लिया गया 12500 ठीक है 12500 अब इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों हो रहा है इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें यह नहीं बोला है कि राइट ऑफ करने के बाद ये कितने में बिका है ऐसा नहीं बोला है हमें ठीक है राइट ऑफ करने के बाद कितने में बिका है ऐसा नहीं बोला है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि गया, उसका क्या हो सकता है? तो अगर सेल कि हो जाता है तो कितने पे होगा वो हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें ये तो बता दिया है कि इसको अगर रिकॉर्ड करना है क्लोजिंग स्टॉक पे तो इलेवन को फाइव पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा इलेवन

फिर से बताते हैं। इस इस क्वेश्चन क्वेश्चन में में क्या बोला था? इस में हमें एक पॉइंट बता दिया था देखो हम लोग को ये बोला था कि ये स्टॉक जो है ये इंक्लूडेड है प्रीवियस क्वेश्चन के तरह ये नहीं बताया कि ये फ्यूचर में कितने कितने में सेल हो गया अगर फ्यूचर में कितने में सेल हुआ बता देता तब हम लोग उसको देख सकते थे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करें हमें ये कैलकुलेट करना है कि हम लोगों के पास जितने टाइप ऑफ स्टॉक है उसका कॉस्ट कितना है तो जो एबनॉर्मल आइटम है उसका कॉस्ट कैसे होगा कैसे डिसाइड करेंगे कॉस्ट और एनआरबी एवर इज लोअर चाहे वो नॉर्मल आइटम हो चाहे वो एबनॉर्मल आइटम हो तो ये जो नॉर्मल आइटम है इसमें से जितना भी सेल हुआ उसका प्रॉफिट लेस करके हमें कॉस्ट पता चल गया ठीक है तो टोटल टोटल स्टॉक जो है नॉर्मल उसका वैल्यू पता चला अब एबनॉर्मल का क्या था स्लो मूविंग आइटम इतना इतना था ये है ओरिजिनल कॉस्ट ठीक है लेकिन इसका वैल्यू कितना कम कर दिया गया सिक्स थाउजेंड ठीक है तभी वो वैल्यू फाइव टू फाइव जीरो दिख रहा है और एक का वैल्यू क्या ट्वेल्व फाइव हंड्रेड जो की फिफ्टीन फाइव हंड्रेड का था तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इतना मतलब हमें ये पता चल गया कि हम लोग के पास नॉर्मल और एबनॉर्मल जो भी स्टॉक है उसका कॉस्ट कितना है ठीक है तो ये प्रोसेस से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया कि कॉस्ट कितना है जैसे पहले भी कर रहे थे बट

सेवेंटीन फिफ्टीन थ्री वन टू सेवेंटीन लेख फिफ्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेल्व ठीक है अब हमें क्या करना पड़ेगा लेस परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ है तो तो यहाँ से करेंगे लेस परचेज परचेज क्या है परचेस है नाइन्टी थाउजेंड जो कि कॉस्ट लेस टेन परसेंट करना पड़ेगा तो परचेस है नाइन्टी थाउजेंड लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट टेन परसेंट तो ये हो जाएगा नाइन थाउजेंड तो नेट परचेज आ जाएगा क्योंकि हमें नेट परचेज ही लेना चाहिए नेट परचेज हो जाएगा एट्टी वन थाउजेंड ठीक है और परचेज में हमारा नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ नहीं था तो एट्टी वन थाउजेंड टोटल में लिखेंगे और वही एट्टी वन थाउजेंड यहाँ पर भी लिखेंगे लेस होगा तो लेस कर दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेज कुछ इस क्वेश्चन में था नहीं तब हम लोग अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आ जाएगा हम लोग का स्टॉक तो बेसिकली ये क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी आएगा ठीक है स्टॉक एज ऑन उज टी ठीक है ये अगर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हम लोगों ने ओपनिंग के हिसाब से सोच के किया है बाकी वैल्यूएशन तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का ही कर रहे हैं थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ये तो हम लोग अपने समझने के लिए opening, इसे ओपनिंग इसे क्लोजिंग डेट मान रहे हैं ठीक है थीके? तो हम लोग सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं स्टॉक एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू अब माइनस कर लेते हैं एट्टी तो ये हो जाएगा सिक्सटीन लैक थर्टी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड 12, ये हो गया 5,250, 12,500 और ये हो जाएगा 16,97,562 माइनस 81,000 तो ये हो गया 16,16,562 इस क्वेश्चन में डिफरेंस इतना ही था कि जो भी अब्नोर्मल आइटम्स थे वो सेल नहीं हुए तो हम लोग उनका प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड नहीं कर सकते हम लोगों ने फिर क्या किया क्योंकि हम लोग को यह देखना है कि टोटल स्टॉक अवेलेबल कितना था तो हम लोगों के पास टोटल जो स्टॉक था वो तीन तरह का था एक था नॉर्मल एक और दो टाइप ऑफ एबनॉर्मल था ठीक है तो ये हो गया ये तो एबनॉर्मल आइटम तो बिके नहीं है तो ये उनका कॉस्ट होगा लेकिन ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसका वैल्यू हम लोगों ने कम कर रखा है तो इसका मतलब जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड किया अब कॉलम को फुलफिल करने के लिए हम लोग यहाँ से माइनस और माइनस करके दिखा रहे यानी ये राइट ऑफ वैल्यू है राइट ऑफ वैल्यू है सेल नहीं हुआ राइट ऑफ वैल्यू है तो अगर कोई स्टॉक को कम पे दिखाएंगे तो उसको तो लेस करना पड़ेगा ये प्रॉफिट नहीं है अगर प्रॉफिट होता तो हम लोग उस तरह से लिख देते तो अगर चाहो तो यहाँ पर एक कॉलम बना सकते हो राइट ऑफ वैल्यू बोल के यहाँ पर सेल तो नहीं हुआ है यहाँ पर से ये सीओजीएस से भी कम पे रखा गया तो है यहाँ पर जैसे प्रॉफिट लेस किया है वो इसको डिनोट कर रहा है तो एक लाइन नीचे करके हम लोग लिख सकते हैं कि राइट ऑफ वैल्यू है बोल के ठीक है या फिर ऐसे कर सकते हो यहाँ पर ये जो सीओजीएस कैलकुलेट हुआ है उसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट लेस राइट ऑफ वैल्यू ठीक है कॉस्ट लेस राइट ऑफ वैल्यू वैल्यूट जो भी एब आइटम है उसके लिए एक लाइन करके इससे एक लाइन छोड़ के नीचे लिख सकते हो जैसे फोर्टी नाइन थ्री हंड्रेड ट्वेल्व लिखा उसमें दैस दैस दे दिया, फिर नीचे ये लिखा तब भी होगा या फिर ऐसे भी लिखोगे तो होगा ये प्रॉफिट को नहीं समझा रहा है ठीक है ये बता रहा है कॉस्ट माइनस राइट ऑफ वैल्यू को क्यों क्योंकि ये सेल नहीं हुआ है ठीक है तो फिर इतने में ही रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था अगर सेल होता तब वहां से प्रॉफिट लेस अब सेल हुआ नहीं है ठीक है तब इतने में ही रिकॉर्ड होना चाहिए बट इतने में नहीं होगा ना क्योंकि इसका वैल्यू

अब यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ भी लिख देते हैं सीओजीएस ठीक है COGS, ये वाला और एक सीओजीएस ऑफ एबनॉर्मल आइटम ठीक है एबनॉर्मल आइटम का सीओजीएस कैसे होगा कॉस्ट माइनस राइट ऑफ कॉस्ट माइनस राइट ऑफ ठीक है अब अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक ठीक है अब जो है प्रेजेंटेशन सही हो जाएगा कॉस्ट माइनस एबनॉर्मल आइटम इसमें ऐसा कुछ नहीं था ठीक है इसमें ऐसा कुछ नहीं था और यहाँ पर हम लोगों का टोटल फोर्टी थ्री हंड्रेड ट्वेल्व नहीं करके इसको थोड़ा अलग अलग दिखा सकते हैं ये हो जाएगा देन फोर्टी नाइन थ्री हंड्रेड ट्वेल्व ठीक है ये हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का नाइन थाउजेंड ठीक है इस तरह से कैलकुलेट होगा नाइन थाउजेंड नेगेटिव हो जाएगा तो देख लेते सिक्सटीन सेवेंटी फाइव थाउजेंड माइनस नाइन थाउजेंड प्लस फोर्टी नाइन थ्री हंड्रेड ट्वेल्व सेवेंटीन हाँ ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं ये हो गया इलास्ट्रेशन टेन अच्छा इसके बाद जो है वो फीफो लिफो वाला है ये हमें नहीं करना है अब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन में जाएंगे ठीक है जो है जो इसका ये देखो यहाँ पर क्या बोला है एक्चुअल स्टॉक व्हिच ही डिड ओनली 2020 व्हेन इट वाज ट्वेंटी बाय हिम टू बी वर्थ

आर एंटर्ड इन द सेल्स 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 बुक बुक में का एंट्री होता है होना भी चाहिए एंड ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच जिस दिन गुड्स कस्टमर के पास चला जाता है उसी दिन सेल्स में एंट्री हो जाता है एंड रिटर्न इनवर्ड मतलब अगर सेल्स रिटर्न हो रहा है वो रिटर्न बुक में हम लोग दिखा देते हैं एज एंड वेन द गुड आर रिसीव बैक जब भी गुड्स बैक आता है मतलब

परचेस डे बुक के हिसाब से इतना है आउट ऑफ दिस गुड्स अमाउंटिंग 500 हंड्रेड वे नॉट रिसीव आफ्टर द स्टॉक वाज़ टेकन ठीक है बोल रहा है कि इसमें से 500 जो है गुड्स रिसीव अभी तक नहीं हुआ है जब स्टॉक टेक किया तब तक नहीं हुआ है अब ये क्यों बोल रहे क्योंकि परचेस डे बुक में एंट्री हो जाता है इनवॉय आने पे ही फिजिकली स्टॉक आया कि नहीं आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसीलिए बता रहा है कि 1200 तो डे बुक में दिख रहा है अकॉर्डिंग टू इनवॉयस लेकिन इसमें से फाइव फिजिकली स्टॉक अभी तक नहीं पहुंचा था एटलीस्ट इतने दिन तक नहीं पहुंचा नाइन्थ अप्रिल तक जिस दिन ये स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ गुड्स इनवॉय ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च मार्च में गुड्स का इनवॉय वैल्यू आया था

कि हमें अकाउंटिंग से कोई मतलब नहीं है कि अकाउंटिंग में इनवॉइस के हिसाब से आपने रिकॉर्ड कर लिया हमें ये देखना है कि गोडाउन में जाके हमें चेक करना है कि कि फिजिकली फिजिकली कौन सा स्टॉक है 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 मान मान लो लो गोडाउन में अगर कोई पेन बेचता ठीक पांच पेन गोडाउन में है लेकिन अकाउंट्स में जाके दिख रहा है कि पंद्रह पेन का जो है गोडाउन में होना चाहिए क्यों क्योंकि दस पेन का इनवॉइस आ चुका है क्योंकि इनका सिस्टम यह है कि इनवॉइस रिसीव होने पे वो रिकॉर्ड कर देते हैं तो पेपर पेन मतलब अगर हम लोग इसको पेपर पेन में देखें तो वो ये पंद्रह पेन का दिखा रहा है लेकिन फिजिकली जाके देखा पांच पेन क्योंकि बाकी दस पेन अभी भी आके नहीं पहुंचा है मतलब सप्लायर ने इनवॉइस तो रेज कर दिया है भेज भी दिया है बट फिजिकली स्टॉक नहीं भेजा है अगर हमें फिजिकली स्टॉक का जो है क्लोजिंग स्टॉक बताना है तो हम लोग तो बोलेंगे पांच ही पेन है फिजिकली पांच पेन है और अगर पेपर पेन है अकाउंटिंग में देखो तो पंद्रह पेन है ठीक है लेकिन हमें यहाँ पर वो पांच पेन वाला कंसेप्ट चाहिए मतलब हमें फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करके बताना

टू लैख फिफ्टी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है

मुझे रिटर्न करना है जैसे मान लो तुम लोग ऑनलाइन में कुछ खरीदते हो तो रिटर्न जनरेट हो गया तो अब आप... कंपनी का पॉलिसी है कि वो रिटर्न बुक कर लेगा या फिर जब तक पिकअप नहीं हो जाता है पिकअप नहीं हो जाता है कस्टमर के घर से और गोडाउन तक नहीं पहुंच जाते रिटर्न नहीं जनरेट करेगा वो कंपनी का पॉलिसी है जैसे इनका पॉलिसी है कि स्टॉक गोडाउन से जाता है तभी सेल मानते हैं और रिटर्न में स्टॉक में आ जाता है तभी इसे रिटर्न मानते हैं परचेज में ऐसा नहीं है परचेज इनवॉइस के हिसाब से करते हैं कि इनवॉइस अगर सप्लायर ने भेज दिया तो मान लेते हैं कि परचेज है ठीक है तो फिजिकली स्टॉक आया कि नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता ये एक इंफॉर्मेशन दिया इनके पॉलिसी फिर सेल्स बता रहा है 17,200 थाउजेंड टू हंड्रेड है इस पीरियड में सेल्स है 17,200 सेल्स का मतलब इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगा हुआ है फिर बोला है कि परचेज है 1200 हंड्रेड परचेज दिख रहा है 1200 अब परचेज का एक प्रॉब्लम है ये तो फिजिकल स्टॉक के हिसाब से ही दिखाएगा इतना स्टॉक आउटफ्लो हुआ है तभी सेल्स दिखा रहा है बट परचेज इनवाइस के हिसाब से चलता है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया है कि 500 अभी तक जो है वो स्टॉक में नहीं आया है ठीक है तो यहाँ पर लिख देते फाइव इसमें से फाइव हंड्रेड स्टील नॉट ठीक है अच्छा आप क्या बोल रहे हैं गुड्स इन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020, बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन फोर्थ अप्रैल, अच्छा मार्च में मार्च 2020, मतलब इसके पहले फर्स्ट मार्च लिख लेते फर्स्ट मार्च 2020 से थर्टी फर्स्ट मार्च 2020 के बीच में यानी ड्यूरिंग पीरियड ऑफ मार्च हम लोगों का इन रेज हुआ था जिसके अगेंस्ट में गुड्स जो था वो फोर्थ अप्रैल को आया और वो भी एक हजार का यहां पर क्या रेज हुआ था यहाँ पर रेज हुआ था इन लेकिन ये गुड्स आके कब पहुंचा फोर्थ अप्रैल को ये डेट ले, लिख लेते हैं फोर्थ अप्रैल को फोर्थ अप्रैल को फिजिकली आया ठीक है फिजिकली गुड्स यहाँ पर आके पहुंचा और प्रॉफिट कमाते हैं ये लोग थर्टी थ्री एंड वन थर्ड ऑन कॉस्ट तो प्रॉफिट कितना होता है प्रॉफिट होता है वन थर्ड ऑन कॉस्ट तो सेल पे कितना होगा दैट इज ऑन सेल्स वन रूपीज प्रॉफिट अगर कॉस्ट थ्री है तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा फोर वन फोर्थ ऑन सेल हम लोग को कैल्कुलेट करने बोला है फिजिकल स्टॉक थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी का मतलब यहाँ पर फिजिकल स्टॉक कैलकुलेट करने बोला है यानी गोडाउन में जाके जो स्टॉक हमें दिखेगा हमें बुक मतलब पेन पेपर में स्टॉक नहीं चाहिए पेन पेपर में कुछ भी हो हमें वो स्टॉक चाहिए जो हमें फिजिकली यहाँ पर गोडाउन में देखने को मिलेगा तो हमें क्या करना है बेसिकली हमें ये ओपनिंग डेट हो गया क्वेश्चन के हिसाब से हमारे समझने के लिए ये ओपनिंग डेट हो गया ये क्लोजिंग डेट हो गया तो हम लोगों को क्या करना है कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है तो हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे स्टॉक एज ऑन एज ऑन एबनॉर्मल तो कुछ है नहीं तो एबनॉर्मल नहीं बना रहे स्टॉक एज ऑन नाइन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी कितना स्टॉक था टू लैक फिफ्टी थाउजेंड ठीक है अच्छा अब इसमें क्या करना है स्टौक, स्टौक, ए, स्टौक, ए, स्टौक, ये ये प, हो गया हमारे को समझने से क्लोजिंग में एड करना पड़ता है हमें सीओजीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं सेल्स माइनस रिटर्न और अगर रिटर्न है तो और प्रॉफिट ठीक है तो यहाँ रिटर्न कुछ नहीं है सेल्स है सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड लेस कर देंगे प्रॉफिट प्रॉफिट कितना हो जाएगा सेल्स पे वन फोर्थ One fourth. तो फोर थ्री जीरो माइनस फोर थ्री जीरो जीरो यानी ये हो जाएगा हम लोग का ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड ठीक है यहाँ पर लिख देते ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो गुड्स बिक गया उसका कॉस्ट बस और तो यहाँ कुछ नहीं बोला था अब हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे नेक्स्ट परचेस ठीक है परचेज लेस करेंगे अच्छा पहले इसको ऐड कर अवेलेबल टू लैख फिफ्टी प्लस ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड टोटल स्टॉक अवेलेबल हो रहा है टू लैख सिक्सटी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड अब परचेज जो किया था वो देख लेते कितना है? परचेज परचेस किया था हम लोगों ने ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है ट्वेल्व हंड्रेड और इससे हम लोगों को लेस करना पड़ेगा 500 ठीक है 500 हम लोग लेस करेंगे क्यों देखो 500 लेस करना पड़ेगा हमें फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करने बोला है अब 500 का स्टॉक का इनवॉइस आ गया है मतलब एंट्री कर दिया इनवॉइस देख के जो भी एंट्री जर्नल पास जर्नल एंट्री पास करते हैं उन्होंने तो कर दिया होगा परचेज टू क्रेडिटर बट फिजिकली गोडाउन में नहीं आया हमें फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करने बोला है तो अगर हम लोग यहाँ का स्टॉक चेक करेंगे यहाँ का स्टॉक चेक करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसमें ये स्टॉक 500 का इंक्लूडेड नहीं है तो अगर इससे एलिमिनेट कर रहे हैं तो ये 500 भी एलिमिनेट करना पड़ेगा तो यहाँ पर इसको लिखेंगे स्टॉक नॉट रिसिप्ट received. अगर रिसिप्ट है ही नहीं तो ये स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन में तो नहीं आएगा अकाउंटिंग वेरिफिकेशन में आ जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड का लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं आएगा और इन्होंने तो अकाउंटिंग वेरिफिकेशन करके ही टू लैख फिफ्टी किया है तो टू लैख फिफ्टी में ये फाइव हंड्रेड इंक्लूडेड है जबकि इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो फाइव हंड्रेड लेस कर देंगे ठीक है तो ये कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 500 लेस करने से 1200 हंड्रेड माइनस फाइव तो ये हो गया 700 ठीक है यहाँ पर हम लोग सेवन लेस कर देते हैं परचेज से ये लेस कर दिया ये हो गया सेवन अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये गुड्स इनवॉइस रेज हुआ था यहाँ पर ठीक है जिसको जिसका डिलीवरी हुआ है फर्स्ट अप्रैल 2020 जिसका डिलीवरी हुआ है फर्स्ट अप्रैल 2020 हमें थर्टी फर्स्ट मार्च टू का स्टॉक पता करना है तो अगर ये अप्रैल 2020 में आया है है और हमें पूछा गया थर्टी फर्स्ट मार्च का कैलकुलेट करो ठीक है तो एक चीज सोचो ये फर्स्ट हुआ है तो ये, ये इसमें इंक्लूडेड होगा ये इसमें इंक्लूडेड हो गया होगा क्योंकि फर्स्ट अप्रैल में रिसीव हुआ है जब स्टॉक कैलकुलेशन इस डेट पे हुआ तो नाइन्थ अप्रैल को वो एड हो गया होगा वो स्टॉक <coughs> लेकिन अगर हमें पूछना है कि थर्टी मार्च को वो स्टॉक हमारे पास फिजिकली था कि नहीं तो आंसर होगा नो no. क्योंकि फिजिकली तो वो 1 अप्रैल में आया था तो क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है तो इससे एक्सक्लूड करेंगे इसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि 31 मार्च 2020 में तो वो हमारे पास था नहीं हमें करना है फिजिकल वेरिफिकेशन तो हम लोग यहां से लेस कर देंगे गुड्स इनवॉइसड ऑन 31 मार्च 2020 बट रिसीव्ड ऑन फोर अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर्थ टू थाउजेंड ट्वेंटी वो है थाउजेंड रुपीज का ठीक है तो यहाँ से थाउजेंड भी हम लोग का क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा ठीक है क्योंकि हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं अब देखो फिर से बता देते $2 ,50 में क्या क्या इंक्लूडेड होगा क्योंकि ये तो फिजिकल वेरिफिकेशन के हिसाब से नहीं है अकाउंटिंग के हिसाब से तो टू लैख फिफ्टी में ये पूरा था, थाउजेंड रुपीज का वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड होगा लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमें बोला गया है और ये सेल्स यहाँ से एक्सक्लूडेड होगा हमें बोला है कि यहाँ पर स्टॉक बताओ तो यहाँ पर तो ना ये सेल हुआ था ठीक है ना ये परचेज हुआ था ठीक है ना ये स्टॉक आया था तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा हम लोग जैसे नॉर्मल प्रोसेस में करते वैसे ही करेंगे हम लोग इसको मान लेते हैं अपना क्लोजिंग और इसका ओपनिंग डेट तो क्लोजिंग स्टॉक प्लस सीओ जी एस माइनस परचेस करना पड़ता है अब लॉजिक यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा है अलग क्योंकि हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हमारे पास टू लैक फिफ्टी का स्टॉक दिख रहा है ये अकाउंटिंग प्लस फिजिकल वेरिफिकेशन दोनों का मिक्सअप है यहां से हमें यहां पर कर देना पड़ेगा वो स्टॉक जो जो बेच दिया अब जो बेचा है वो सिर्फ इनवॉइस मतलब उसका सिर्फ जो है बिल बनने से सेल नहीं होता है इनका रूल्स है की अगर स्टॉक आउटफ्लो होता है सच में तभी सेल रिकॉर्ड करते तो इतना स्टॉक आउटफ्लो हुआ है तो जितना स्टॉक आउटफ्लो हुआ है वो हमारा फिजिकली हमारे पास था तो ऐड करेंगे क्यों क्योंकि हमें यहाँ का स्टॉक कैलकुलेट करना है यहां पर तो था ही वो तो इस पे फिर हम लोगों ने ऐड किया फिर को क्या करना पड़ता है लेस हम में नहीं है अगर क्वेश्चन में फिजिकल वेरिफिकेशन का बात नहीं होता देन ये ट्वेल्व डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता ठीक है और ये वन थाउजेंड पर जो बोला है ये तभी लेस हो रहा है क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन का बात है अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता तो

तो इसका मतलब ये फिर स्टॉक में हो जाता क्योंकि ये फिजिकल वेरिफिकेशन है तो हमें फिजिकल वेरिफिकेशन के नजरिए से इसे एडलेस करना पड़ेगा क्योंकि इसका स्टॉक का रिसिप्ट चार फर्स्ट अप्रैल को हुआ है स्टॉक का रिसिप्ट फर्स्ट अप्रैल को हुआ है हमें यहाँ का वैल्यूएशन बोल रहा है तो सिंपल सा बात है यहाँ पर वो स्टॉक फिजिकली हो ही नहीं सकता है और 500 अगर फिजिकली हमें मिला नहीं है स्टॉक ठीक है तो वो पहला बात है ये तो माइनस हो ही जाएगा परचेस लेकिन सिर्फ ट्वेल्व नहीं ट्वेल्व पूरा माइनस नहीं होगा ट्वेल्व से फाइव माइनस करके सेवन ही माइनस करेंगे ठीक है क्योंकि सेवन ही हम लोग का क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्लूडेड हो सकता है टू लैख सिक्सटी वन थाउजेंड टू हंड्रेड हम लोग का फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करके आएगा अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इसमें क्या बोला है देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एसरटेन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वैल्यू ऑफ स्टॉक बोल दिया है परचेज ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया है मैनुफैक्चरिंग एक्सपेंसिज सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड एट द टाइम ऑफ द स्टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ओरिजिनली परचेज फॉर टू लैक तो बोल रहे जब स्टॉक वैल्यू हुआ थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन को तब सिक्सटी थाउजेंड राइट ऑफ कर दिया गया उस स्टॉक का वैल्यू जो एक्चुअली दो लाख का था यानी उसका वैल्यू वन लैख फोर्टी किया गया टू लैख पे सिक्सटी थाउजेंड राइट ऑफ हुआ यानी उसका वैल्यू वन लैख फोर्टी यानी में, 1, का क्या है एबनॉर्मल है और वो इसल में इंक्लूडेड होगा नॉर्मल और एबनॉर्मल होगा मतलब ये पहले के के तरह ही है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने किया है लेकिन डिफरेंस ये है कि सिर्फ इसमें डेटा अलग है बट द अब ट्रांजेक्शन बट uh, फॉर the ग्रॉस प्रॉफिट अर्न profit earned 25% ऑन कॉस्ट ठीक है तो नॉर्मली 25% on cost ऑन कॉस्ट पे प्रॉफिट calculate किया जाता है तो देखो कैसे होगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे normal, abnormal, और टोटल तो यहाँ पर लिखते हैं opening स्टॉक Opening स्टॉक टोटल बता दिया है lakh. ,00 अब इसमें एक abnormal आइटम इंक्लूडेड है कितना 1 ,40, का कैसे 1 ,40, वो ओरिजिनली तो टू लैख पे था बट उसको सिक्सटी थाउजेंड राइट ऑफ किया गया अब हमारे पास दो वैल्यू आया ओरिजिनल कॉस्ट टू लैख और जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आया वन लैख फोर्टी तो हमें किस पे रिकॉर्ड करना होगा जो विच एवर इज लोअर तो वन लैख फोर्टी पे ही ये इंक्लूडेड होगा ना कि टू लैख पे है ना वन लैख फोर्टी तो हम लोग को यहाँ पर एब नॉर्मल में लिखना पड़ेगा वन लैख फोर्टी ठीक है तो अगर ये वन लैख फोर्टी है ये टोटल सेवन लैख है तो हम लोग का यहाँ पर कितना आ जाएगा सेवन लैख माइनस वन लैख फोर्टी तो ये आ जाएगा फाइव लैख सिक्सटी नॉर्मल आइटम अच्छा हम लोग को कैलकुलेट क्या करने बोला है हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने बोला है क्यों ओपनिंग स्टॉक तो दे ही दिया ये देखो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने बोला थर्टी फर्स्ट मार्च यानी क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस हो जाता है परचेज ठीक है प्लस हो जाता है परचेस कितना स्टॉक परचेस किया थर्टी फोर लैख सिक्सेंड और कोई भी एबनॉर्मल आइटम इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि एबनॉर्मल जो है वो यहाँ पर था ओपनिंग स्टॉक में अगर इसमें होता तो लिखना पड़ता ठीक है अच्छा फिर यहाँ से क्या लेस करेंगे यहाँ से हमें लेस करना पड़ेगा सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कैलकुलेट होता है सेल्स माइनस

फिफ्टी लैख सिक्स थाउजेंड एक मिनट देख लेते फिफ्टी टू ट्वेंटी माइनस वन लैख सिक्सटी हाँ फिफ्टी लैख सिक्सटी थाउजेंड ठीक है अब प्रॉफिट प्रॉफिट अलग अलग होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जाएगा नॉर्मल सेल पे ट्वेंटी फाइव परसेंट हो जाएगा नॉर्मल सेल पे ट्वेंटी फाइव परसेंट और नॉर्मल ठीक है और बाकी हो जाएगा एबनॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट ठीक है

थाउजेंड ठीक है ये सीओजीएस लेस कर दिया अब हमें क्या करना पड़ेगा सेल्स के बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस था ठीक है अच्छा परचेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ये भी लेस करना था हम लोग को एक मिनट सॉरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेस क्या ऐड होगा यहाँ पर कर देते परचेज में ही होना चाहिए ना यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि ये तो हम लोग क्या कर रहे हैं ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस हो ही गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने नहीं लिखा था उसको लिख लेते हैं लेतेवन लैक यहाँ पर लिखेंगे सेवन लैख इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं था तो टोटल नॉर्मल ही हो जाएगा ठीक है अब हम लोग चेक करते कितना आता है फाइव लैख सिक्सटी प्लस थर्टी फोर लैख सिक्सटी प्लस सेवन लैख माइनस फिफ्टी लैख सिक्सटी थाउजेंड ट्वेल्व लैख थाउजेंड तो ये आ जा रहा है ट्वेंटी नाइन फोर्टी नाइन ट्वेंटी नाइन लैख फोर्टी नाइन थाउजेंड वन लैख फोर्टी प्लस वन लैख सिक्सटी माइनस ट्वेंटी थाउजेंड ये जीरो हो जाएगा देखो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि वन लैख फोर्टी था और यहाँ पर ये सेल्स है और ये हम लोग का एक्चुअली ये हम लोग ऐड करके लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा ठीक है समझने में ये देखो ये ऐड करके लिख लेना चाहिए फाइव लैख सिक्सटी प्लस थर्टी फोर तो टोटल अवेलेबल था फोर्टी ठीक है ये यहाँ पर लिखते हैं सीओ जीएस ठीक है लेस करेंगे तो ये हो गया टोटल स्टॉक ए ठीक है अब एस कैलकुलेट कर लो उसके बाद माइनस करने से भी आंसर आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा टोटल ऑफ सीओ जी एस बी तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ए माइनस बी इतना स्टॉक अवेलेबल था इसको चेंज कर लेते हैं फिफ्टी लैख सिक्सटी थाउजेंड का नॉर्मल सेल्स था प्रॉफिट था ट्वेल्व लैख 65,000 थाउजेंड तो थर्टी सेवन लैक थाउजेंड लेस नाइन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्लोजिंग स्टॉक अच्छा यहाँ पर 1 ,40 का स्टॉक था ठीक है जो कि बिका है यहाँ पर उसका कॉस्ट वन लैख फोर्टी आएगा वन लैख सिक्सटी में बिका ट्वेंटी थाउजेंड फोर्टी ट्वेंटी थाउजेंड प्रॉफिट और ये दोनों का नील ठीक है अच्छा यहाँ पर देख लेते टोटल कितना आ जाएगा प्लस प्लस थर्टी फोर सिक्सटी थाउजेंड फोर्टी एट लैख सिक्सटी थाउजेंड अच्छा फिफ्टी टू लैख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड तो ये हो गया फिफ्टी टू लैख माइनस फोर्टी एट सिक्सटी थाउजेंड तो यहाँ पर हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक थर्टी फोर अच्छा ये माइनस कैसे आ गया यहाँ पर ये लेस होगा सॉरी ये तो लेस होगा यहाँ ओ ये ये भी तो नहीं लिखा मैंने प्रॉफिट ट्वेल्व लैख सिक्सटी फाइव थाउजेंड और ये ट्वेंटी थाउजेंड ये ऐड नहीं किया इसीलिए यह गलत आ जा रहा है एक सेकेंड टी फाइव थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड तो ये हो जाएगा थर्टी नाइन लैख थर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है माइनस फोर्टी एट लैख सिक्सटी थाउजेंड तो ये हो जाएगा नाइन टू फाइव जीरो 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 नाइन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दोनों साइड टैली होना चाहिए ना अगर मेरा यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है और ये इतना आया तो टोटल भी इतना आना चाहिए तो इससे पता चल रहा था कि गलत हो रहा था ठीक है तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर टू ठीक है अब इसमें दो ही क्वेश्चन बाकी है थ्री फोर और फो, लिफो बाकी है ठीक है तो थ्री फोर भी सेम ही है देखो इलास्ट्रेशन करने का मतलब है यहाँ का चीज समझ में आ जाना लेकिन यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन बोला है फोर में तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है और यहाँ पर क्या बोला है मैंने ये क्वेश्चन तो नहीं देखा है चलो और ये मुझे दिखा फिजिकल वेरिफिकेशन बोला है है ठीक तो ये दो क्वेश्चन बाकी है ये हम तुम लोग को होमवर्क देते हैं थ्री एंड फोर और उसके साथ बाकी हम लोग ये फीफो लीफो वाला जो है नेक्स्ट क्लास में मतलब संडे को ही कम्पलीट करेंगे यानी कि नेक्स्ट संडे और ये वाला ये देखो फिफोलिफो का जो कंसेप्ट है लेकिन ये एग्जाम में नहीं आता है लेकिन ये एडजस्टेड सेलिंग प्राइस आता है ये एग्जाम में कभी नहीं आया है नॉर्मली ये वाला वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज ये नॉर्मली नहीं आता है ठीक है फिर भी अगर आ जाए क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स का कुछ नहीं बोला जा सकता है तो अगर आ जाए तो हम लोग कर सकते हैं लेकिन काफी आसान है ठीक है इसमें दो क्वेश्चन होमवर्क है और इसका बाकी ठीक है तो ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं <coughs>